ना, दो चाय, बैठो। अरे लगता है तुम शहर से आ रहे हो। हाँ, साहित्य लिखने का एक अवसर मिला है, उसी सिलसिले में आया हूँ। साहित्य की रचना करने आए हो, ये तो अच्छी बात है। आजकल वैसे भी हमारे देश में रचयिता कम हो गए हैं। अच्छा, कहानी क्या है? कला चरित्र। वैसे तुम्हारे गांव में सब अच्छे तो हैं ना? हाँ, केशवलाल भी ठीक हैं और उनकी पत्नी भी ठीक हैं। तुमने इनका परिचय नहीं करवाया? ये भी शहर से आए हैं महाकवि के दर्शन के लिए। वो तो वाकई दर्शन के लायक है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। इस शहर की ख्याति के लिए हमारे महाकवि की तरह औरों का भी नाम होना चाहिए, खास करके महामंडल कला मंडल में परिवर्तित हो जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, हमारे महाकवि इसमें कामयाब होंगे, देख लेना, वो हमारे देश का नाम रोशन करके रहेंगे। महाकवि क्या काम करते हैं प्रवीण? कृष्णा जल्दी से कड़क चाय। जी अच्छा। क्यों मुरली, ये कोई नए हैं क्या? महाकवि के दर्शन के लिए शहर से मेरे साथ आए हैं, उनके ऊपर किताब लिखना चाहते हैं। मैं हूँ राधा कृष्ण। हाँ। वैसे तुम अच्छे समय पर आए हो, यानी खुशखबरी अभी तक नहीं मिली है? नहीं तो, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जरा बताओ तो सही। बहुत बढ़िया खुशखबरी है, नारायण महाराज को केंद्र से साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिल रहा है। अरे वाकई, ये तो खुशखबरी है। आज टाउन हॉल में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, और वीआईपी कौन आ रहे हैं पता है? सबसे विद्वान साइबर आ रहे हैं। ये साइबर कौन है? महाकवि के सबसे छोटे सुपुत्र, नहीं जानते क्या? कला मंडल के वो देवदत्त हैं। वो तो ठीक है, पर साइबर कौन है? हाँ, ये सही पूछा। हमारे देश में भिन्न भिन्न उपाधियाँ हैं, और उनमें से सबसे बड़ी है मास्टर, यही कह के बुलाते हैं। इस उपाधि को कर्नाटका में साइबर कह के बुलाते हैं। कर्नाटका प्रदेश में कोने कोने में सबसे प्रिय भगवान को जिस नाम से पुकारा जाता है, वो है साइबर त्रिवेणी। दरअसल इस उपाधि में इतना दम है कि कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। बात समझ रहे हो ना? बड़े प्रेम से बुलाते हैं। देवदत्त के सामने कोई कुछ भी नहीं है। कभी किसी बात पर कोई बहस करता है तो वो उसे मात दे देते हैं। वही है साइबर। कुछ भी हो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो शुभ काम में देरी किस बात की? ऐसे काम में आगे पीछे सोचने की कोई जरूरत नहीं। उसे संभालना, थोड़ा प्यार से उसे खिला, वो खा लेगा। अरे वो झाड़ियां लेकर उसके पांव में मारना। ये हमारी बात नहीं मारा सुरेश जी। ओह, तो फिर उसे कैसे खिलाएंगे? थोड़ी सी पिला दो, खा लेगा। खाना खिलाने के लिए अगर दारू पिलाएंगे तो हाथी पागल हो जाएगा।
अरे वो कमीना कहाँ जाके मर गया केशवन? केशवन जी सुरेश जी, पुस्तक ले आया हूँ। ठीक है, 12वां पेज निकाल। जी निकाल लिया। उसमें क्या लिखा जरा पढ़ के बता। हाथी बड़े चाव से जो खाता है वो है बांस की हरी हरी पत्तियाँ। हाँ ये हुई ना बात, उसे खिलाओ, हरी पत्तियाँ खिलाओ, जल्दी करना। नहीं खाना है मत खा, ऐसे फेंक क्यों रहा है? कुछ भी हो तू इंसान बनकर तो नहीं रह सकता है ना, जानवर बनकर है ना। अरे तू क्यों खड़ा है, खोल कर जल्दी पढ़ के बताना। हाँ सुरेश जी, गाय भैंसों को जिस तरह से काबू करते हैं ना, वैसे ही इसे भी काबू करके देखते हैं। इन्हें कैसे काबू करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं बताऊंगा। तू जो मुझे राय दे रहा है वो राय अपने पास ही रख। ये किताब मुझे दे। यहाँ देख, हाथी को बड़े प्यार से काबू में करना चाहिए। एक गुड़ का लड्डू बना के बड़े ही प्यार से उसे खिला दे। ये काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तू जाकर लेके आ, मैं उसे खिलाऊंगा। तू जरिया पकड़। आ, 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 आ। देखा कितना बढ़िया तरीका इस किताब में। अरे सुनो, ये गणेश हमारी बात मानने वाला नहीं है। ये नारियल कहाँ से गिरा? अरे मैं हाथी के ऊपर कैसे आ गया? अब मैं नीचे कैसे उतरूं? यहाँ कोई नजर भी तो नहीं आ रहा है। अरे कोई मुझे नीचे उतारो, अरे हाथी से नीचे उतारो। भावना, सुभद्रा, वो लोग आ गए, आरती की थाली लाओ। ये तो अच्छा हुआ एन वक्त पर ये पहुंच गया। देवदत्त जहाँ कदम रखता है वह अच्छा ही होता है, वरना इसे देखने के लिए तो हमारी आंखें ही तरस जाती हैं। हंसले हंसले बहुत दिनों के बाद ही हंसी देख रहे हैं। अच्छा माँ और सुभद्रा भाभी अच्छी तो है ना? हाँ। चलो ठीक है, यहाँ किसी की तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। हाँ जब तुझे नहीं देखती हूँ तो थोड़ा बहुत दुखी जरूर हो जाती हूँ। जो काम बोला था वो तो हो जाएगा ना? वो सब हो जाएगा माँ। क्यों रे, कैसी चल रही है तेरी डांस क्लास? मेरी डांस क्लास अच्छी चल रही है। वाह, अरे वाह, तुझे देखकर तो मेरा दिल भर गया। सुना है समारोह में हाथी पकड़ा गया? गणेश ने बताया था, लेकिन तुम बताओ कि हुआ क्या था? अरे ऐसा क्या हो गया था जो इसके डंडा पकड़ने के बाद भी हाथी शांत नहीं हो रहा था? हाथी को काबू में करने के लिए तुमने डंडा उठाया था, इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ। जरा मुझे बताओ ना, क्या हुआ था बेटे? दरअसल वो, अरे हुआ क्या था बताओ ना। ठीक है बताता हूँ भैया, हाथी खुद पागल नहीं हुआ, उसे पागल बनाया गया। समारोह के बीच में हाथी को पागल किसने बनाया, कम से कम बताओ तो सही। हमारे एरिया में तो ऐसा काम करने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर किसने किया होगा? वही जो गोपाल है ना, उसी ने हाथी को कांटा मारा था, वो अभी जुआ खेल रहा होगा। सच में? हाँ, उस गोपाल की मैं जाके अकल ठिकाना लगा के। मुझे अभी भी थोड़ा यहाँ काम करना है, वरना मैं जाकर उसे ऐसा सबक सिखाता कि उसकी नानी याद आ जाती। तुम दोनों एक काम करो, इसके साथ जाओ। Thank you.
मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। पिताजी अगर देवा ने जान लिया तो जाने दो ना। तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना मेरी लड़की के लिए उसने कितना कमीना दामाद ढूंढा था और आज वो बड़ा नारायण महाराज बनकर बैठा है और ऊपर से उसको केंद्र सरकार से पुरस्कार भी चाहिए। उसे मैं इस संसार में चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम उसकी तरह दरी मत करना। उसका टाउन हॉल में जश्न मनाया जाए और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप बैठा रहूं। गोपाल को ज्यादा ही भाव खा रहा था। बहुत बढ़िया मजा चखा के उसे यहाँ लाया हूँ। अब अगर कुछ बोला तो वही मजा इन्हें भी चखाऊंगा। इनसे बोल दो बात ये कि तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए आए हैं। ओए सुन, मेरे घर पर आके कोई मुझे ही गाली दे। मर मंगल में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है। अरे मर मंगल में कोई चूहे नहीं पनपते हैं। मैं मर मंगल से ही आया हूँ। तुम्हारे ही इंसान को मार कर उसकी अकल ठिकाने लगा कर मैं यहाँ आया हूँ। जो चाहे कर लो। अबे बेकार में गुस्सा मत दिला। अरे इतनी जल्दबाजी मत करो, गुस्से की बात अभी बताता हूँ। तू भी बिल्कुल अपने बाप पर गया है। कुछ भी हो पूरे खानदान को बाहर एक साथ खड़े देख रहा हूँ। मेरे तो भाग्य ही खुल गए। ओ, ऐसे खड़े हैं जैसे कुछ नहीं जानते। मैं यहाँ कोई कहानी सुना रहा हूँ जो ऐसे खड़े मुझे देख रहे हो। ए, चुप कर। तू जिस काम के लिए आया है वो बात बना के जा। हो यानी अब इन्हें जो बात है वो बतानी ही पड़ेगी है ना। हाँ। मर मंगल के महाराज नारायण को मारने के लिए हाथी को किसने भड़काया था बताओ। तुम में से किस कमीने ने ये काम किया यही मैं जानना चाहता हूँ। वो मैंने किया। सुन, आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो तुझे जान से मार डालेंगे। पुरानी दुश्मनी को मन में रखकर अगर तुम्हारे खानदान में से किसी ने भी मरमंगल की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो ऐसा थप्पड़ नहीं मारूंगा, जान से मार डालूंगा। और हाँ, तुम तो जानते हो मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए मेरा हाथ उठ गया। अगर आपकी सभ्यता को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। चलो कौन है? अरे देवदत्त तू है? हाँ। तुझे देखे कितने दिन हो गए रे। तू कितने दिनों के बाद आया है रे? दरअसल मैं जहाँ गया था वह काम जरा बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सका। अरे वह कम से कम फोन तो है ना। एक महीना हो गया तुझसे बात किए हुए। मेरा मन तुझसे एक बात पूछना चाहता है। तेरे दिल की धड़कन का जो सुर है वो कुछ अलग है, बताना। वो हाँ। कर भला तो हो भला, जिंदगी इसी का नाम है, ये दद्दू आपने ही कहा था ना। हाँ। हमेशा ऐसी बातें बोलकर मेरा मुंह बंद कर देता है। कोई अगर तुझसे बहस करे तो कभी जीत नहीं पाएगा। हाँ। ये इतने दिनों के बाद आए हैं इसलिए इन्हें कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए। हाँ। अगर लड़की पर हाथ उठाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पोते हो। ए दूंगा खींच के। हाँ ऐसे। बहुत दिन हो गए मुझे नीचे उतर कर चले हुए। चलो बेटी। वैसे और कितने दिनों तक यहाँ रहोगे? दरअसल यहाँ अभी काफी सारे काम हैं दद्दू, और मुझे जाके प्रिया से भी मिलना है। उसके भी कुछ काम होंगे जो मुझे करने होंगे। ये सारे काम निपटाने के बाद ही मैं जाऊँगा। अच्छी बात है। मंद बुद्धि वालों के लिए तूने एक अच्छा काम किया जो एक अनाथ आश्रम बनाया, क्योंकि प्रिया के साथ साथ तू वहाँ दूसरे बच्चों की भी देखभाल कराता है। तेरे जैसे दो चार और हो जाएंगे तो देश का भला हो जाएगा। भगवान तेरी सफलता में हमेशा तेरा साथ देंगे। जय जय का मां मरी।
फ्रेंड्स के साथ जाओ। मैं तुम्हारे पिताजी को कल यहाँ लेकर आऊंगा ना, साथ में चॉकलेट भी लाऊंगा। अब तो जाओगे ना? कुछ भी कहो प्रिया बेटी, के माँ बाप दोनों तुम ही हो। तुम मेरे घर जाके बैठो, आज का लंच साथ में करेंगे। तब तक मैं बस का किराया सेटल करके आ। रहने दीजिए फादर, आज मुझे थोड़ा काम है, लंच फिर कभी कर लूंगा। तुम्हारी मैं एक नहीं सुनूंगा, घर में एक नई कुक आई है, उसके हाथ का लंच करके ही जाना होगा। तुम घर में जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। बाय, सी यू। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ से जल्दी निकल पाऊंगा। एक काम कर, तू जा। तो फिर मेरा खाना? अबे जाना। ठीक है, जाता हूँ। मेन दरवाजे के ऊपर कोई फोटो लगाता है क्या? मैं फोटो चाहे कहीं भी लगाऊं, पूछने वाले तुम कौन हो? बताओ कौन होते हो? अभी बता दूंगा, फादर को आने दो। ओ, बताने में तुम्हारा मुंह दुखता है ना? क्या हुआ, ये बहस क्यों? फादर आप ही देखिए ना, मैं कितने अच्छे फ्रेम में फोटो लगवा कर आई थी, वो फ्रेम इसने तोड़ दिया। वो फ्रेम मैंने तोड़ा? फादर, मैंने तो आके बस दरवाजा ही खोला है और ये अपने आप खुद नीचे गिर गई है। तू है कौन, जयपुर की महारानी है? हाँ मैं हूँ। ये क्या फादर, आप कहाँ कहाँ से कुक ले आते हैं इसकी तरह? क्या कुक? और ये देवा, ये जोसेफ की बेटी है, नाम है एनी। तुम दोनों का परिचय नहीं है? ओ, परिचय कराने के लिए कौन है? फादर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, नहीं तो एक देता इसे। ये क्या कर रहा है, इतना गुस्सा ठीक नहीं। अरे वाह, एक तो मेरी फोटो की फ्रेम तोड़ दी और ऊपर से मुझको हाथ उठाने की सोच रहा है। फादर, इसे बाहर निकाल। नहीं बेटी, तुम जाओ यहाँ से। कहाँ ना जाओ और तुम इधर आओ।
देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, कल जब मैं यहाँ हूँ तो ये नजर नहीं आनी चाहिए। मेहरबानी करके इसे इस गांव से कहीं दूर भेज दीजिए। उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले मेरी बात सुन, चल यहाँ से चल। अरे आ जाओ आ जाओ, मैं तो समझा था तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए हो। हाँ, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए तरस गए, इस बार तुमको लौटने में काफी टाइम लग गया। इन बच्चों को तुम्हें देखे हुए महीनों गुजर गए। आना तो मैं भी चाहता था लेकिन काम की वजह से फंस गया अपने फार्म हाउस में ही। ठीक है बैठो तो सही। देवताओं का स्वरूप हो, तुम्हारे दर्शन तो अहोभाग्य हैं। तुम्हें देखो तो ऐसा लगता है जैसे किसी देवता को देख रहे हैं। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने चले आए। सब आपका ही तो आशीर्वाद है। मगर अभ्यास में तो कोई कमी पेशी नहीं है ना? ये तो स्वर्गीय अनुभव है। हमारे अंदर जो कला है वो दूसरों को सिखाना कितना पुण्य का काम है पता है ना? जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ इन बच्चों को देख कर मेरा जी भर जाता है, वही मेरा सौभाग्य है। तुम लोग भी आजकल कहीं दिखाई नहीं देते हो। मैं तो जहाँ देवा गया था उसके साथ ही गया था। वो तो मैं जानता ही हूँ, जहाँ राजा वहाँ प्रजा, तुम्हारा भी यही कहना है ना? नहीं तो गांव में जब कुछ होता है तो मुझे ही सारी देखभाल करनी पड़ती है, ऐसा देवा ने कहा हुआ है, बस इसीलिए। देवा बेटी तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूँ। आप अच्छी तो है ना? हाँ सब तुम्हारी कृपा है। पार्वती ये आज हमारे मेहमान है, कुछ ठंडा गर्म लाओ ना। अभी लाती हूँ। बस एक ही बात सोचता रहता हूँ, मिलन तो काफी बड़ा हो गया होगा, जवान हो गया होगा, मुझे उसकी चिंता होती है और तेरे दादा की। तुम्हें तो वो कभी कभार कहीं मिलता होगा ना? हाँ कभी कभार मिल जाता है, पवन के साथ बिजनेस करता है। उस बेचारे की ना माँ है ना बाप है, बेटे की तरह पार्वती ने उसे पाला, वो भी उसे माँ माँ कह के बुलाता, माँ बाप दोनों वही थी, पता नहीं अब वो कैसा है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे दिल में उसके लिए भी बहुत प्यार है, आप तो जानते हैं। मैं जानता हूँ, उस बेचारे का इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। तुम बस एक काम करना, हो सके तो एक भाई का प्यार उस बेचारे को देना। एक एक गिलास और हो जाए। अच्छा एक बात तो बताओ, मुझे यहाँ बुलाकर कहीं मारने का तो इरादा नहीं है? इतना सारा तो पी चुके हैं, उसके बाद भी ग्लास पे ग्लास भरे जा रहे हो, तुम्हारे दिल में क्या है? अबे पागलों सी बातें मत कर, मैं तुझे यहाँ शराब पिला रहा हूँ, तुझे मारने के लिए नहीं। तूने उस दिन उस धंधे के बारे में कुछ बताया था ना? क्या मैंने वो तुम्हें बताया था? तुम तो जानते हो आजकल किसी भी धंधे में पैसे नहीं है। बस हाथ बदलता हूँ और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। देवा तुम्हारे लिए फोन है, मिलन है। मिलन तो अभी कहाँ है? क्या यहाँ आ रहा है? तो जल्दी आ। हाँ अपना मिलन है। कौन तुम्हारा चचेरा भाई? क्या वो आ रहा है? अच्छा देवा जब से मिलन बिजनेस का मीडिएटर बना है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पैसों से भले ही अमीर नहीं है लेकिन दिल का बहुत अमीर है, बस आता ही होगा। देवदत्त को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तू इन्हें जानता है? जानता हूँ। दो महीने पहले हम लोग मुंबई सेंट्रल पे मिले थे ना, वहीं पर हमारी दोस्ती हो गई थी। देव तुम शाम को? हाँ जानता हूँ, शाम बैठो। अच्छा वो काम तो हो जाएगा ना? हाँ जरूर। हाँ देवा एक मिनट आओ ना। ये सैम तेरे साथ क्यों है? तू जानता है ना उसने पवन को कितना धोखा दिया है? देवा तुम जैसा सोच रहे हो सैम वैसा नहीं है। ओ, बहुत बदल गया है। अच्छा अचानक मुझसे मिलने का कारण? पवन का 5 लोड स्पिरिट पकड़ा गया है और वो समझ रहा है पकड़वाने वाला मैं हूँ, और उसने मुझे मारने के लिए मेरे पीछे गुंडे लगाए हुए हैं। यकीन नहीं है तो सैम से पूछ लो। सैम? नहीं नहीं पवन ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। पवन इस बारे में तुमसे क्यों बात करेगा? मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ, मेरी बात तो मानो। जब भी मरमंगल में कुछ होता है तो हम मिलकर बीच बचाव करते हैं ना। इस बात का उससे कोई मतलब? क्यों वो किसी भी समय मुझे और सैम को मार डालेगा। पवन किसी भी हाल में हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारे पास आया हूँ कंप्रोमाइज कराने के लिए।
तुम्हारी बात वो मानेगा, तुम उससे बात करके देखो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ देवा, कुछ भी करके हमें बचाओ। हम तुम्हारे भरोसे आए हैं, तुम चाहो तो हमें उससे बचा सकते हो। क्या हुआ देवा भैया? कुछ नहीं, पवन को फैक्ट्री में फोन लगा, बात करनी है। हेलो, इटेलको फैक्ट्री है ना? एमडी हैं क्या? कब आएंगे? ठीक है ओके। पवन आज फैक्ट्री नहीं गए, अब हम क्या करें देवा? हम फौरन पवन से जाके मिलेंगे इसी समय। लेकिन अगर कहीं, अरे मैं हूं ना साथ में, तुम गाड़ी निकालो, तू अपनी गाड़ी निकाल। मिलन, ये लोग पवन के आदमी हैं। तो तू भी इस कमीने के साथ मिल गया है? आज दोनों नहीं बचोगे। दोनों को निकालो गाड़ी से। साइवर, मिलन को भूल से भी मत छूना, सैम को भी। साइवर छोड़ो उसे। साइवर आप बीच में मत पड़िए, ये सैम और हमारे मालिक की समस्या है, हम ही इसे सुलझाएंगे। तेरी समझ में नहीं है, पवन से मिलने के लिए ही हम लोग जा रहे हैं, तू जा। अगर हम वहाँ पर खाली हाथ लौटेंगे तो हमारे मालिक क्या सोचेंगे, हमें नमक खराब कहेंगे ना। सुन जॉनी, मैं बहुत ही शराफत से एक बार फिर बोल रहा हूँ, तुम लोग जाओ। जाएंगे तो हम दोनों को साथ ले जाएंगे, पकड़ लो। काम जरा सावधानी से करना। हाँ, अरे तुम यहाँ कैसे साइवर? तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जानता हूँ ऐसे मिलने के लिए आए होंगे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए काम थोड़ी रहता है। काम है, क्योंकि मैं जानता हूँ मिलन और सैम की क्या प्रॉब्लम है। यानी तुम जानते हो। अरे उसके लिए तुम क्यों सिफारिश कर रहे हो? उसने मेरी 5 लोड स्पिरिट पुलिस वालों को पकड़वा दी। पवन, मुझे नहीं लगता मिलन ने ऐसा किया है, अगर किया भी है तो प्लीज मेरी बात मानकर। मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं टाली साइवर, तुम जिसकी तरफदारी कर रहे हो ना, वो मिलन पूरा शैतान की औलाद है। उसका साथ देने वाला वो सैम, वो भी हरामी की औलाद है। मैंने तो ठान लिया कि अब इन दोनों को मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बस अब मैं सिर्फ मौके की तलाश में। नहीं पवन, मिलन के ऊपर जरा सी आंच भी आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तुम भी जान लो।
अब मैं क्या जानूं, तुम कहते तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छा ये बताओ अब मैं क्या करूं? तुम उसे माफ कर दो, बस मेरी खातिर, क्योंकि मैंने उसे वचन दिया। ओहो, यानी तुम उसे साथ लेकर ही आए हो। आ जा आ जा। अरे साइबर, जब तुमने एक बार बोल दिया तो मैं तुम्हारी बात को थोड़ी टाल सकता हूँ। ये हमारे ही ठीके की है, मुंबई में इसकी बहुत बिक्री होती है, काजू से जो बनती है। अब हमारे बीच ये फॉर्मेलिटी क्यों? ले पकड़ और चढ़ा ले। Cheers. Cheers. अच्छा सुनो, मैंने पहले भी बोला था मेरा जो माल पकड़ा गया है वो सारा का सारा माल मेरे गोडाउन में भिजवा दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये मुझसे नहीं होगा। क्यों तुम्हारे से नहीं होगा? तुम्हारे कहने से भी तो कुछ नहीं हुआ ना। तेरी इसी बातों पर तो मुझे गुस्सा आता है साइबर, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। ये शैतान है, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझमें ऐसा क्या है? अपने गुस्से को संभाल। तो फिर ये कमीना मुझे जाने के लिए कह रहा है? कहा तूने? तू उसको पकड़, छोड़ दो मुझे। साइबर तुम हट जाओ। पवन ऐसा मत करना, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट जाओ साइबर, तुम हट जाओ। साइबर, तुम्हारे ऊपर मैं अपनी जान छिड़कता था, मगर मेरे उस विश्वास को तुमने तोड़ दिया है। जिस पल तुमने मिलन के मुंह पर थप्पड़ मारा है, हमारी दोस्ती खत्म हो गई। साइबर ये अब ये वो कुछ नहीं, ये मेरा चचेरा भाई है। तुम मेरे कौन हो? सिर्फ दोस्त। मेरे दिल में तुमसे कहीं ज्यादा इसके लिए जगह है, और अगर इस पर कोई हाथ उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा दोहराई तो मेरा दूसरा रूप देखोगे। हमेशा तुम्हारी जान बचाने वाला यह हाथ बहुत कुछ कर सकता है, याद रखना। चलो। आखिर ऐसा क्या हुआ जो खुशियां मना रहा है? पवन की बात भूलना चाहता हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। अरे मैं तो कब का भूल गया। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है देवा? तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला, बस उसी खुशी में पी रहा हूँ। वैसे तुम तो बहुत ज्ञानी हो, 1 करोड़ बार प्रार्थना करने पर वरदान प्राप्त होता है। जप कोटि गुणम ध्यानम, ध्यान गुणम प्राप्ति रस्तु। इसका अर्थम सुन। हाँ? तुमने अभी जो मुझसे पूछा है ना, जानता हूँ उसका जवाब तेरे पास भी नहीं है। 1 करोड़ प्रार्थना करने पर 1 कण के समान पुण्य मिलता है। मान गए तुम्हें देवा। हाँ? जब कोई जन्म जिए हम, जब कोई जीवन में कभी जन्मों के रिश्ते लाए, गाना खुद ब खुद आए। जब कोई जन्म जिए हम, शरारते अपने साथी के साथ। याद वो आती है छोटी छोटी शरारते अपने साथी के साथ, और गुरु जी का गलती करने पे उनका वो कान पकड़ना। जब कोई जन्म जिए
मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पहले प्रोग्राम पर और तालियां भी बजाऊंगा। अब तुम जाके अपना डांस करो। भावना, तुम्हें जिन्होंने छोड़ा वो तुम्हारे भाई है? हाँ, बीच में वो बाहर गए हुए थे, अभी अभी वापस आए हैं। एक बार वो चर्च में फादर से मिलने के लिए आए थे, तब उन्हें देखा था। लेकिन तुम्हारे भाई बहुत गुस्से वाले हैं ना? नहीं तो, एक बार मेरे घर चलो, पता चलेगा गुस्से वाले हैं कि नहीं। वैसे ही मेरे घर में दादा और दादी जी को भी मिल लेना। आओ। इसके लक्षण तो बहुत अच्छे हैं, शरीर भी काफी खिला हुआ है। अरे वाह, पैर भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ तक के नाखून भी बहुत अच्छे हैं, और दुम तो वाकई बहुत ही लंबी है। ये सारी बातें तूने इसकी तारीफ में कही थी ना? लेकिन वो सब है कहाँ? हाथी का मतलब उसके चार पैर होते हैं, एक सुंड होती है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो दाम मैंने लगाया उसी में ले सकता हूँ। वो सुरेश जी, अब ये वो कुछ नहीं। जैसे हाथी की एक दुम होती है, वैसे उसकी एक कीमत। अगर देना चाहते हो तो ठीक है। आहा, भावना के साथ में ये लड़की कौन है? हैं? बड़े भैया हैं। ये कौन है? मेरी सहेली है, कला मंदिर में साथ में पढ़ती। अच्छा है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा घर है कहाँ? पहाड़ी के पार। ओ, यानी पहाड़ी के उस पार। मैं वहाँ कई बार गया हूँ। वहाँ तुम अवस्थी को जानती हो ना? नहीं। तो राघवेश अस्थाना को जानती हो? नहीं तो। और वहाँ पे जो यादव रहता उसे? नहीं, लेकिन वहाँ मेरी जान पहचान का जेम्स है। जेम्स? ये तो क्रिश्चियन नाम है, लेकिन मैंने इस नाम के आदमी को कहीं नहीं देखा। कहाँ से देखेंगे? हाँ। मैंने तो एक कुत्ते का नाम बताया है। तुमने जिसके बारे में कहा उसमें और हाथी में कोई फर्क नहीं है। आज मेरी सहेली पहली बार मेरे घर पे आई है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? एनी। एनी, वाह बहुत अच्छा नाम है। तुम जितनी खूबसूरत हो वैसे ही तुम्हारा नाम है। ये मत समझना कि मैं हाथियों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं समझता। चलो। अरे एक मिनट रुको। दरअसल ये हवेली परमेश्वर के एक सच्चे भक्त की है। जब वो एक बार प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने दर्शन दिए। जो भी उसने मांगा था वो दे दिया। फिर पूरी हवेली की सफाई कराई, अपने हाथों से उसे सजाया, और सजाने के बाद ये हवेली बिल्कुल। भैया बस रुकिए, कहानी फिर कभी सुन लेंगे। आनी चलो। जरा रुको, ये पहली बार आई है, इसे जरा खिला पिला कर ही भेजना। हाँ तो तूने क्या फैसला लिया? हमारे गांव में इतने पेड़ वगैरह नहीं हैं। यहाँ आने पर काफी अच्छा लगा मुझे। आ,
ये सुरेश भैया की बेटी है, प्रिया बेचारी मंद बुद्धि की है। प्रिया एनी के पास आओगी? ये मेरी पक्की सहेली है, प्रिया इनसे मिलूगी। देवा भैया ने फादर से मिलके इसे वहीं रखा है, अंदर चलो। आइए भाभी, ये एनी है। ओ, भावना ने बताया था। पहाड़ी की उस पार वाले जोसेफ की बेटी हो ना तुम? हाँ। आओ ना। माँ, देवा भैया कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं। मेरा नहाने का दिल कर रहा है, एनी यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। तूने यहाँ कर इसे क्यों तोड़ा? मैं तो भावना के साथ आई हूँ। ओ, तो बदला लेने आई है? बदला लेने के लिए ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं तोड़ूं। वहाँ जिस तरह दरवाजा खोलने पर फ्रेम टूट गया था, वैसे यहाँ भी हो गया। एनीवे, सॉरी। सॉरी? अगर तूने बदला लेने के लिए इसे तोड़ा है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब तुम मुझसे डर गए ना? मुझे डराने वाली तो राजकुमारी है ना? क्यों नहीं जानते, जयपुर की राजकुमारी। अरे ओ, जयपुर की राजकुमारी, एक काम कर, ये जगह खाली कर, नहीं तो तुझे धक्के मार के बाहर निकालूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। पर एक बात है, दरअसल मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या? मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है। जो बोलना चाहती है बोल। अभी बोलती हूँ। क्या बात है, ये चिल्ला कौन रहा है? चिल्लाए बिना जो बात है वो बोल। क्या हुआ भैया, इसे क्या हुआ? इसे क्या हुआ मैं खुद भी कुछ नहीं जानता, ये लड़की अपने आप जोर से चिल्लाने लगी। अरे बाप रे, रो क्यों रही हो, क्या हो गया? भावना मैं बता नहीं सकती। आखिर हुआ क्या, बताओ। तुम्हारे भैया ने मुझे क्या? भावना, ये लड़की झूठ बोल रही है। तू इधर आ, मैं अभी इससे सच बोलता हूँ। देवा, तू उसका हाथ छोड़। चुप कर, तू कुछ मत बोल, तू चल बेटी चल। भावना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। बस करो, आप कुछ मत बोलिए, आपने अच्छा नहीं किया। रास्ता छोड़ो, मुझे जाना है। जब तक तुम माफी नहीं मांगो हम जाने नहीं देंगे। हटो। हमने कह दिया ना, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, माफी मांगो और जाओ। देवा भैया, वो लड़की एनी है ना, लगता है वहाँ कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। हेलो, क्या बात हो गई है? हाँ आइए, आप ही बताइए। मैंने इसे कहा कि मैं इसे चाहता हूँ, इसमें गलत तो नहीं है ना? नहीं तो? तो फिर इसने यहाँ भीड़ क्यों जमा की? ओहो, अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं है। कहीं और से आके हमें नीचा दिखाना चाहती, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। अब अगर ये माफी मांगी तो ही हम इसे जाने देंगे। मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? हट जाओ, मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। प्रिंसिपल से शिकायत करने के बाद आना तो इधर से पड़ेगा ना। अरे सुनो, तुम लोग यहीं आपस में इस प्रॉब्लम को दूर क्यों नहीं करते? माना कि इसने झूठ बोला है, लेकिन इस बार इसे माफ कर दो। एक शर्त में माफ कर सकता हूँ, वो भी अगर आप बोले तो। लेकिन मैं क्यों बोलूं? आप बोलेंगे तो हम मानेंगे। भैया आप बोलिए ना, वो जाने देंगे, उनसे बोल दीजिए प्लीज। एक मिनट, सब ठीक है ना? जैसा आपने कहा था बिल्कुल मैंने वैसे किया, लेकिन इसकी जो बात होती मिलेगा ना, मैंने इतना बढ़िया सेटअप किया है कि वो यहाँ से जा नहीं सकती। अरे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आओ, मुझे जरा इस लड़की से बात करनी है, आओ। इस वक्त वो मेरी हर बात मानेंगे, हाँ कहूंगा छोड़ देंगे, ना कहूंगा तो नहीं छोड़ेंगे। तुम क्या कहती हो? तूने मेरे घर पर आकर जो किया वो झूठ मूठ का एक ड्रामा था, अभी भावना से बोल दो और सबके सामने सॉरी। वो मैं नहीं कहूंगी। तब तो तुम यहाँ से बिल्कुल नहीं जा पाओगी। मैं बोलती हूँ। भावना, ये लड़की तुमसे कुछ बोलना चाहती है। क्या बात है एनी? दरअसल वो, अब डरो नहीं, बताओ। जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो मैंने तुम्हारे भाई पर झूठा आरोप लगाया था। आइंदा ये लड़की ऐसा कभी कुछ नहीं कहेगी, मुझे वचन दिया है। अब तुम लोग जाओ। चलो यार, जब देखो तब इसका ड्रामा होता है। वो तो रोने लगी। अरे तो इसमें क्या हुआ? वैसे है बहुत अकड़ू। है? क्या हुआ? रहने दो बेटी, तुम चाहे कुछ भी कहो मैं विश्वास नहीं करूंगा। तुम क्यों उसके बारे में ऐसा बोल रही हो? तुम यहाँ आई हो डांस सीखने के लिए और अपनी पढ़ाई करने के लिए,
आप जो बोल रहे हो मैं सब समझती हूँ। वो इंसान आपका इतना चहेता जो है और मैं कुछ नहीं। वही वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि एक सच्ची मसीही संतान हूँ मैं उसे सिर्फ चाहता ही नहीं हूँ, उसकी चाहत की इज्जत भी करता हूँ। इज्जत के लायक हो तब ना, उसे आप इतनी इज्जत देते हैं, ऐसा उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया? उसने कौन कौन से पुण्य काम किए तू देखना चाहती है ना? आ मैं दिखाता हूँ। देखा वो बेचारे मंद बुद्धि के बच्चे, इन सब के लिए दूध से लेकर खाना पीना सब कुछ वही करता है बेटी। बिन माँ बाप के इन अनाथ बच्चों के लिए अपनी खुशियाँ इन पर निछावर करके अपने सगे बच्चों की तरह इन्हें पालता है, ये पुण्य का ही तो काम है। सच कह रही हो, मेरी भैया का दिल बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह है। पता है सच कहूँ तो पूरे गांव में भैया का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि भैया समाज सेवा का काम करते हैं। सच बताऊँ तो तुम्हारे भाई की मेरे मन में इतनी जगह हो गई कि उनकी पूजा करना चाहती हूँ। यही तो प्यार की पहली सीढ़ी है जो तुम उनकी पूजा करना चाहती हो। देवा भैया के बारे में दादाजी ने एक बात कही थी, बिल्कुल भगवान की तरह देवा भैया का हृदय पवित्र है, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। देखो भैया आ रहे हैं। भैया की उम्र 100 साल की है। अभी हम दोनों बात कर रहे थे आप ही के बारे में। ओ समझा, यहाँ डांस सीखने आती है या मेरे बारे में सोचती रहती है? चल बैठ, अपनी सहेली को भी बिठा ले। भावना तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। हम दोनों पैदल ही जाएंगे। भैया आप जाइए। तेरी सहेली का नाम क्या है? एनी। हाँ कहानी तो मैं समझ गया हूँ। कोई बात नहीं चले। बाला प्रेमी किसन की राधा रे। बस कर, बहुत हो गया तेरा श्रृंगार रस। ये क्या बोल रहे हो देवा? इस दुनिया में प्यार बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जिसके दिल में प्यार का संगीत बजता है वो किस्मत वाला कहलाता है। मैंने कहा कि मुझे उससे प्यार है। तुम्हें उससे प्यार है या नहीं ये तो तुम्हारा चेहरा खुद ही बता रहा है। ये तो ऐसे ही। तुम उसकी खूबसूरती में लुट चुके हो ये मैं अच्छी तरह जान गया हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मगर। कोई अगर मगर नहीं, उससे तुम प्यार करने लगे हो ये बात सच है। अरे यार वो एक क्रिश्चियन लड़की है, अगर घर में किसी को ये बात पता चली तो मेरा जीना हराम हो जाएगा वहाँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपने दिल की बात बताओ, वो लड़की तुम्हारे दिल में बस चुकी है या नहीं? वो हाँ, वो क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, परंपरा गई तेल लेने। दद्दू ने बचपन में हम दोनों को क्या सिखाया याद है ना? याद तो है, लेकिन वो लड़की तुमसे प्यार करती ये तो मैं जान गया, अब तो तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। वो बेचारी सच्चाई से अनजान थी, बस जरा सा जिद्दीपन है, उसकी वजह से तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? फादर आप ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो वो बात कब का भूल गया। मैं जानता हूँ तुम मन में कुछ नहीं रखते। हाँ फादर, वैसे मैं अभी आया हूँ। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, चैम्बर में मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। कन्फेस करना है? तुमने ऐसा क्या किया जो ऐसा कह रहे हो? मुझसे एक पाप हो गया है और उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, वो भी आपके कन्फेस चैम्बर में। यहाँ पर कन्फेस सिर्फ मसीही लोग करते हैं। खैर अब तुम कह रहे हो कि तुम कन्फेस करना चाहते हो तो उसके लिए बीच में एक पर्दा डालना काफी। हाँ ठीक है ठीक है, तो मेरे साथ चलो। बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? फादर अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे को चाहने लगे और वो आप जान जाएं तो आप क्या करेंगे? अगर वो दिल से प्यार करती है तो मैं आशीर्वाद दूंगा। वो लड़की अगर किसी और जाति की हो तो? जाति धर्म ये तो हम इंसानों ने बनाए हैं देवा, परमेश्वर के सामने हम सब एक समान है। तो इन सब के बावजूद फादर आप आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद दूंगा। मुकरेंगे तो नहीं? तुम्हें ऐसा शक क्यों हो रहा है? सच सच बताओ बेटे, तुम आखिर प्यार किससे करते हो? दरअसल फादर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। तुम चाहे जिससे भी प्यार करते हो कम से कम मुझे तो बताओ वो लड़की किस जाति की है? वो लड़की क्रिश्चियन है। क्या क्रिश्चियन है? तो फिर शादी के बाद तुम जाति बदलोगे या वो जाति बदलेगी? उसके बारे में मैंने अभी नहीं सोचा है। क्यों, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी ना? वो सब तो बात की बात है ना, उसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए होगी। वो तो मैं करूँगा, लेकिन तुम प्यार करते हो क्या वो लड़की जानती है? नहीं फादर। तो क्या वो तुम्हें चाहती है?
दरअसल ये बात उसने मेरी बहन से बताई थी। तब तो बात क्लियर नहीं है, ये तो वाकई समस्या है। वैसे वो लड़की रहती कहाँ है? वो यहीं इसी इलाके में। क्या, इसी इलाके में? हाँ। तब तो मैं उसे जानता ही हूँगा। खैर छोड़ो, ये बाद में पता करेंगे, पहले पता करो प्यार करती है या नहीं। वही तो आपको पता लगाना है। उस लड़की का नाम क्या है? जोस्वीन, यही उसका पूरा नाम है। हमारी आनी का नाम भी तो वही है। अगर वही लड़की हुई तो वाकई मजा आएगा। उसका निकनेम क्या है? एनी। अरे ये भी उसी के नाम से मिलता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मगर तुम्हारा उस लड़की के साथ ये चक्कर कैसे हुआ? वो चक्कर भी यहीं पर हुआ। क्या, यहीं पर हुआ? मतलब एक फोटो का फ्रेम टूटा होगा। हाँ देवा, उस लड़की का पूरा नाम एनी जोसेफ है ना? हाँ फादर। अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों बंद करूं? मुझे फौरन अपने परमेश्वर से बात करनी है, जल्दी से आंखें बंद करो। अब फादर। हे मेरे परमेश्वर, मुझे तो ऐसे लग रहा है आज कोई भूकंप आ गया और उसमें मैं मर गया हूँ। मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। हे यीशु। फादर, इस काम में आप मेरी मदद करेंगे ऐसा सोचकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, और आप एक ही भाग रहे हैं। आहा, बलि का बकरा बनने के लिए मैं ही मिला क्या? नहीं, चाहे नहीं। कुछ भी कर लो, ये रिश्ता नहीं हो पाएगा और ना ही लोग इसके लिए राजी होंगे। दूसरों की बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं उसे चाहता हूँ। वो तुम्हें चाहती, उसने बताया क्या? नहीं, लेकिन उसने कभी आपसे जिक्र किया? क्या मुझसे? नहीं किया तो आपको ही उसे पूछना होगा। पूछ तो लूंगा, मगर देवा अगर ऐसा करने पर कोई और समस्या खड़ी हो गई तो क्या होगा? जानता हूँ फादर, मेरे घर की बात आप छोड़ दीजिए। एनी के घर वाले, वो तो ये सुनकर ही आग बगुले हो जाएंगे, मारने मरने पर उतारू होंगे। वो लोग मेरी एक बात भी नहीं मानेंगे, मेरा समझाना बेकार होगा। अगर मैंने इस रिश्ते की बात छेड़ी या उनकी मर्जी के बगैर लड़की को ले जाकर गिरजाघर में खड़ा किया तो मेरा क्या होगा? हे परमेश्वर, जोसेफ को अब मैं भला क्या बोल के समझाऊं? अभी किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, पहले आप जाके एनी से पूछिए, तो उसके बाद बाकी की बातें सोचेंगे। सोच क्या रहे हैं? एनी बेटी, एक बात बताओ, क्या देवा तुम्हें अच्छा लगता है? किस उल्लू के पट्टे ने आपसे ये बात कही कि वो अच्छा लगता है मुझे? मैंने ऐसे कब कहा जो पूछ रहे हैं? तुमने उसे ये नहीं कहा? कहा ना, मैंने नहीं कहा। तुमने उससे नहीं कहा तो उसने मुझसे क्यों कहा कि कहा? अब इसका जवाब तो वही देगा। फादर आप मेरी बात तो अभी सुनिए। कुछ मत बोलो, मुझे जरा सोचने दो। तुमने तो मुझे संकट में फंसा दिया है। फादर वो जरूर बताएगी, एक बार फिर से पूछ के देखिए ना, जाइए ना। अनी बेटी, जरा सोच के बताओ तुमने कहा था या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम वहीं पर रुको, मैं जरा फिर से सोच के देखता हूँ। वो तो साफ साफ कह रहे मैंने नहीं कहा। हे परमेश्वर, अब तू ही सहायता कर। देवा तुम उसे भूल जाओ, नहीं तो मैं बेकार में मारा जाऊंगा। फादर आप उसे ये पूछिए कि भावना से इसने क्या कहा था। हाँ फादर, आप अकेले में किससे बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो परमेश्वर से बातें कर रहा था। फादर उससे भावना वाली बात पूछिए ना। नहीं चाहती, नहीं चाहती, ऐसा तुमने मुझसे कहा, लेकिन एक बार अभी फिर तक से... मैंने जो भी कहा आपकी समझ में नहीं आया क्या? जब मैं किसी को नहीं चाहती हूँ तो कैसे कहूँ चाहती हूँ? मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, ऐसा तुमने भावना से नहीं कहा था? वो तो यहाँ से भाग रही है। अनी बेटी, मुझे यहाँ से ट्रांसफर करा के जाना होगा, वरना यहाँ रहना मुश्किल है। तुम चाहती हो या नहीं ये बता के जाओ। भावना ने जो कहा सच है। दिल है खाना, प्यार का कर इकरार।
मुझको तो जीवन मिल गया, डोली में मुझको बैठा कर ले जाना ओ सजना, तेरी हाँ का था इंतजार, मेरा दिल अब मेरा ना रहा, मेरा कहा ये नहीं सुन, तेरी नजर का है जादू चला, तुम यूं बनाती रहो मुझे पागल मस्ताना, थोड़ा करो जी इंतजार, ओ मौसम है मस्ताना, दिल ने है ये ठाना, प्यार का कर तेरे पूरे हो गए, मालिक से तुझको मांगा मैंने कितने अरमानों से, मेरी किस्मत में तू ही है, जन्मों का अपना है साथ ये, ना छूटे सांसों में तो बस गई है यूं, फूलों में खुशबू बसी हो जैसे, थोड़ा करो जी इंतजार, हो मौसम है मस्ताना, दिल ने है ये ठाना, प्यार का कर इकरार, तुझ ही पे आया मुझे प्यार, थोड़ा करो जी इंतजार, मौसम है मस्ताना, दिल में है ये ठाना, प्यार का कर इकरार। कौन है वो? देवदत्त है क्या? हाँ वही है दादाजी, अगर आप कहें तो। क्या हुआ? ये पुरोहित जी कोड़ियां डालकर क्या देख रहे हैं? शादी की इतनी जल्दी है क्या? तब तो जल्दी ही तुम्हें ठाकुरायन बुलाना पड़ेगा। ठाकुरायन नहीं, ठाकुर बुलाना पड़ेगा। ठाकुर? हाँ, आपको ठाकुर बनाने के लिए शहर से एक ठाकुरायन का रिश्ता आया है, आप ही के लिए सब कुछ हो रहा है। मेरे लिए? मुझसे मजाक कर रही है ना? नहीं, नहीं, अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो ये देखिए, ये है ठाकुरायन। क्यों देवा, कैसी लगी तुम्हें ये ठाकुरायन? ऐसी लगती है जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो, बहुत ही अच्छे खानदान से है ऐसा पिताजी ने बताया। कम से कम 7 हाथी तो ये जरूर अपने दहेज में लेके आएगी। अच्छा तो मुझे अब आज्ञा दीजिए। हाँ ठीक है। देवा वैसे तुम्हें लड़की पसंद तो है ना? अभी आया। अगले मुहूर्त में इस घर में शादी होने वाली, ये तो तुम जानते हो ना? जानता हूँ। किसकी शादी? हमारी भावना की। उसकी नहीं, तुम्हारी शादी के लिए ही हमने अभी मुहूर्त निकलवाया है। लड़की का फोटो तो तुमने देख लिया होगा ना? देख लिया। बहुत बड़े घर से ये रिश्ता आया है, उन्होंने तुम्हारा फोटो देखकर ही रिश्ता पक्का किया। हम वाकई बहुत किस्मत वाले हैं। देवदत्त,
एक दो हाथी नहीं पूरे 60 हाथियों का जुलूस निकालूंगा पूरे मोहल्ले में। अगर ये शादी हो गई तो वहाँ के हाथी मिलाकर सबसे ज्यादा होंगे हमारे पास। मगर लड़की की कुंडली में एक छोटा सा दोष है, शास्त्री ने अभी अभी बताया था। उस दोष का निवारण हो सकता है ऐसा उसने बोला है, लेकिन तुम खामोश क्यों हो? वो दादाजी। क्या हुआ, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्या? मैं बता, तेरे दिल में क्या है बता। वो दरअसल क्या हुआ, तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? हाँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उस लड़की का नाम क्या है? उस लड़की को सब जानते हैं, हमारी भावना के साथ पढ़ती है एनी। मतलब मैंने जो कुछ सिखाया सब बेकार है। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तुम क्या बोल रहे हो देवा? ये किस लड़की की बात कर रहा है? देवा बेटे जरा मेरे पास आओ। दादाजी। हाँ। तू उस लड़की से बहुत प्यार करता है? जी हाँ। हमारे घर के संस्कार भूल के तूने ऐसा काम क्यों किया? मैं इस रिश्ते को बिल्कुल नहीं मानूंगा। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस लड़की को बहुत चाहता हूँ। जाति धर्म ये सब बेकार है, तब मेरे दिल को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। तुम दिल की बात कहते हो, भले ये दुनिया मरे या जिए। जब तू छोटा बच्चा था तब मैंने तुझे वेद पुराण सिखाया, उपदेश भी दिए, लेकिन आज तूने मुझे उसका ऐसा सिला दिया, तूने मुझे जीते जी मार दिया, है ना? मैंने आपका मन दुखाने के लिए नहीं कहा। मैं जानता हूँ तूने मन दुखाने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज तूने जो कुछ भी मन खोल कर कहा दुखी होने के लिए काफी है। अब तुझे जितना भी समझाया जाए तू बात नहीं मानेगा, तू मेरे कंधों से बड़ा हो गया है, तुझे मानना भी गलत होगा। अब जब तूने फैसला कर ही लिया है तो बहस भी क्यों, तू इस घर से दफा हो जा। देवा तुम मेरे साथ चलो। देवा तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमें ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए जिससे हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। जिस लड़की के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है उसको पाने का हक मुझे है, और मैंने बस वही तो किया है। तो ये गलत है, ऐसा कौन बोल रहा है? हमारी बिरादरी में और भी तो बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक को पसंद कर ले। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे, मैं शादी उसी से करूँगा। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि शादी से किसी को कोई दुख ना हो। अब कौन क्या कर सकता है, हमें तो माँ बाप ने बचपन से बस यही सिखाया है कि कभी कोई बात मत टालना। पर तुम्हारी बात भी गलत नहीं है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, तुम्हारे इस काम में मैं मदद करूंगा। अच्छा, एनी के घर वाले जानते हैं क्या? फादर उनसे बात करने के लिए उनके घर पर गए हुए हैं, मगर इस बीच अगर हम लोग मान जाएं तो समझ लो देवा का तुम्हारा काम हो जाएगा। वो कैसे? पिताजी को इस बात में राजी करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है, वो है दादाजी। नारायण, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ, तुम उसके बाद ही जो फैसला करो सोच समझ कर करना। पिताजी तुम ये क्या कह रहे हो, वो बड़ा होकर ऐसा करेगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उसने तो मेरे दिल को ही तोड़ दिया पिताजी। हाँ, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन बेटे के मन को भी तो ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए ना, उसके आंसू देख कर मेरा दिल रोने लगता है। अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो उससे उसे बहुत खुशी होगी ना, हम लोग भी तो यही चाहते हैं ना कि वो जिंदगी में खुश रहे, हमें उसकी खुशी में रुकावट नहीं बनना चाहिए। पिताजी लेकिन अब मेरे और कितने दिन बचे हैं मरने से पहले, मैं चाहता हूँ उसकी शादी हो जाए, वो खुश रहे। जब वो छोटा सा था तो वो मेरी उंगली पकड़ कर घुमा करता था और उसकी हर इच्छा में पूरी किया करता था। इजरा, आचार संस्कृति की जो भी बात है वो बाद में देख लेंगे, तू पहले इस रिश्ते को मान जा। पिताजी जब आपने फैसला कर लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। Thank you.
की राजकुमारी धूप में चलेगी तो काली हो जाएगी, उसके लिए सवारी एकदम तैयार है। यानी तुम बिल्कुल घोड़े पर सवार हो। लड़कियां फंसाने के लिए ये जगह काफी अच्छी है। ओहो भला ये जगह कैसे भूल सकता हूँ, यही तो हमारी लड़ाई पर प्यार की मोहर लगी थी, और उसी के प्रायश्चित के लिए अब मैं किसी निवारण की तलाश में हूँ। बैठो। सुनिए, क्या आप मुझे 100 रुपए का नोट देंगे? चिंता मत कीजिए, अच्छे काम के लिए मांग रहा हूँ। दे दो ना। दीजिए ना। दरअसल आप दोनों के बारे में इसने मेरे साथ एक शर्त लगा रखी थी। कैसी? यही कि आप दोनों एक हो जाएंगे, और इसमें ये जीत गया मैं हार गया। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए आपसे लिए हैं। ले भैया। ऐ सुन, तुम्हारी शर्त के चक्कर में एक अच्छा काम हो गया, लेकिन अब तोड़ने की शर्त मत लगाना। ईशु की स्तुति हो। वो तो हमेशा रहती है। ये मैं एनी के बारे में क्या सुन रहा हूँ? ये तुम इन्हीं से पूछ लो। ताऊ जी, ये सब हुआ कैसे? ये तो ठीक से मुझे भी नहीं पता। उसे आगे नहीं पढ़ाने के लिए मैंने मना किया था ना, कई बार समझाया भी था। देखा अब क्या हुआ? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतना सब होने के बाद अब क्या रखा है होने के लिए? हमारी बहन किसी कमीने के साथ भाग गई, जब लोग बोलेंगे तो इज्जत का क्या हो? हे परमेश्वर, उसने कोई गलत काम नहीं किया। देखिए ताऊ जी। चुप रहो। ताऊ जी, जब आपने ये बात फोन पे बताई तभी हमें उसके घर चले जाना चाहिए था, लेकिन हम ये रिश्ता कतई नहीं मानने वाले। बेटे, तुम इस रिश्ते को जोड़ने से मना कर रहे हो, और तुम लोगों की इस तरह मना करने के बाद भी अगर वो तुम्हारे साथ नहीं गई तो क्या करोगे? हम उसे ले जाने के लिए ही आए हैं। लेकिन ये तो समस्या का हल नहीं है। भैया तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम मेरा स्वभाव जानते हो ना, उस बेचारी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। पिता, ये सब आपके लाड़ प्यार की वजह से ही हुआ है। माँ होती तो ये सब नहीं होता। मैंने उसे बड़े लाड़ से पाला, ये बात सच है, लेकिन आज तक कभी भी उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरा सर झुके। मगर अब तो किया ना। जिमी, प्यार करने वालों को जुदा नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, देवा के परिवार वाले भी ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग इस रिश्ते के लिए मान गए ना। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, हमारी बाइबल में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है जो तुम इस समय बोल रहे हो। तो अब मुझे क्या करने के लिए कह रहे हो? तुम इन्हें साथ लेकर एक बार मरमंगल होकर आओ, वहाँ पर बातचीत करके तभी कोई फैसला लेना। मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा। तुम चाहे कुछ भी कहो, जब वो खुद फैसला कर चुके हैं तो हम भला इसमें क्या कर सकते हैं? आज नहीं तो कल तुम्हें उसकी एक ना एक दिन शादी करनी है ना, तो उसकी मर्जी से ही शादी होने दो ना। और फिर उसने जिस लड़के को चाहा है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत नेक लड़का है, वो बहुत ही गुणवान है। ऐनी बेटी की खुशी ही तो हम लोगों की भी खुशी है ना। ये रिश्ता मंजूर है ऐसा बोलो ना। तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? इसमें मैं क्या कहूँ, आप खुद फैसला लीजिए ना। मेरे लिए मेरी बच्ची की खुशी चाहिए। अब भैया जैसा कहते हैं ठीक है। बिल्कुल सही कहा जोसेफ, हमें बस उसी की खुशी चाहिए। अब कम से कम मुस्कुराओ तो सही। सुखी रहो, सदा सुखी रहो। इस गुरु का आशीर्वाद समझ लो तुम्हारे जीवन में हमेशा छाया रहेगा। हम लोग तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे, बस शादी की तारीख बता देना। आज तक ये मेरी हर बात को मानता आया है, अब से तुम्हें भी मानना होगा। आज तक तुम खुले बैल की तरह इधर उधर घूमते रहे हो, अब तुम्हारी लगाम ये संभालेगी, इसका ख्याल रखना। जरूर, आचार संस्कृति सबको किनारे रखकर अब इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब और कुछ दिनों में तेरी भी शादी हो जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मिलन की शादी हो पाएगी, और ना ही ये करेगा, क्योंकि ये तो ब्रह्मचारी है। तो ये बात मुझे तुम पहले ही बता देते। ब्रह्मचारी कोई बुरी बात नहीं है, ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत मुश्किल होता है। 100 वरदानों के बराबर होता है एक ब्रह्मचर्य। अच्छा, काफी देर हो गई है, अब हम चलते हैं। अरे जाने में इतनी जल्दी क्यों है? आज ये पहली बार हमारे यहाँ आई है, खाना तैयार है, खाना खा के जाओ ना। वो फिर किसी दिन, एनी को हॉस्टल पहुँचाना है ना। हाँ, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ। एनी जब भी तुम्हारा मन करे यहाँ चली आना। चलती हूँ। देवा, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है? वो आदमी आखिर है कौन? देवा से मिलने के लिए रत्नगिरी से आता है। मिलन। कौन था वो? वो ऐसे ही मेरी जान पहचान का है। मिलन। हाँ? मुझे एक जगह जाना है। जाना है कहाँ? यही रत्नगिरी तक जाना है। एनी के घर वाले के सामने तुम्हें भी रहना चाहिए ना। क्या करूँ, जरूरी काम आ गया है, तुम संभाल लेना।
हाँ आओ आओ आओ, तुम लोग इस समय यहाँ जरूर कोई ना कोई बात है, चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रहा है। एनी कहाँ है? वो किचन में खाना बना रही है, वो कुछ ज्यादा ही खुश है। तुम लोग बैठो ना। हम यहाँ बैठ के चाय पीने के लिए नहीं आए हैं, उसे बुलाइए। क्यों, क्या हो गया? और क्या होगा, आप तो बोल रहे थे कि वो लड़का बहुत ही गुणवान है। उसके बारे में हमने छानबीन की, वो बहुत कमीना निकला। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई, जरा खुल के बताओ। बता दो इन्हें, ताकि देखकर इनके भी आंखें खुल जाएं। क्या हुआ, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया? मैं भी नहीं जानता, तुम्हारी देवा से शादी नहीं हो सकती, ये लोग ऐसा बोल रहे, लेकिन कारण क्या है ये अभी तक नहीं बताया। अब बताने से क्या होगा, जो है खुद अपनी आंखों से देख लो। ले देख, जिससे तू प्यार करती है उस कमीने का असली चेहरा। इस फोटो में जो है वो उस कमीने की पत्नी है। ये तुम लोग आखिर बोल क्या रहे हो? नीजी आप भी देखिए कितना बड़ा कमीना है वो। नहीं, मैं यकीन नहीं करूंगी। अब इससे ज्यादा तुझे और क्या सबूत चाहिए? अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के अब हमारे साथ चल। मरमंगल में लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, एक बार उनसे भी इस बारे में बात कर लो ना। कुछ भी हो जाए अब ये रिश्ता नहीं हो सकता, किसी हाल में भी नहीं, भूल जाइए उसे, चलो रे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसमें चौंकने की क्या बात है, ये आपके होनहार देवा बेटे की पहली पत्नी है। क्या हुआ नारायण महाराज की बोलती क्यों बंद हो गई? ये तो अच्छा हुआ हमारी बहन की शादी से पहले हमें ये बात पता चल गई। लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में किसी ने भी मेरी बहन का नाम तक लिया तो यहाँ तक नहीं आऊंगा, रास्ते में ही मार डालूंगा। ये बात अपने देवदत्त को समझा देना। तुम लोगों की आचार संस्कृति क्या है अब हम समझ गए हैं, लगता है तुम्हारे खानदान में रखेल रखने का रिवाज बहुत पुराना है। बस करो, हमें ये जली कटी बातें तुम्हें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम देवा के बारे में चाहे कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा, तुम लोग सिर्फ एक फोटो दिखाकर रिश्ता तोड़ना चाहते हो। ठीक है, यकीन मत करो, लेकिन जब वो आए तो बोल देना कि हम गिरे हुए खानदान से नहीं है। याद रखना, वो कमीना हमें कहीं नजर आ गया तो हम उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेकर आएंगे। चलिए पिताजी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सुन बेटे, यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ है पिताजी ना जान पाए। देवा भैया, क्या हुआ, वो आए थे? आए तो थे मगर। मगर क्या हुआ है? क्या हुआ? वो ये शादी नहीं हो सकती ऐसा कह के वो चले गए। जब वो लोग आए थे तब हम भी यहाँ नहीं थे, हमने जब कारण पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। भाई, इन्होंने जो कहा वो सच है क्या? अब ये शादी नहीं होगी। पहले जब बात हुई तो किसी ने कुछ नहीं कहा था, फिर अब इस बारे में अब तुम कुछ मत पूछो। ऐसा क्यों? कम से कम तू तो बताना यहाँ पर क्या बात हुई। आपके बारे में वो बुरा भला बोल के गए हैं। आखिर क्या बोला, कोई बताया तो सही। छे, अरे कुछ तो बोलना। नहीं बताना तो मत बताओ, मैं दद्दू से जाके पूछता हूँ। रुक जा, तेरे दादाजी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पिताजी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है, आखिर क्या हुआ? ये शादी नहीं हो सकती ऐसा बोलकर वो लोग चले गए। इसका कारण उन्होंने क्या बताया? कारण वो तुझे बताना होगा। ये लड़की कौन है बता। एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करने के लिए जब तूने कहा तो हम तेरी इस बात को भी मान गए, लेकिन ये वैसी बात नहीं है। बता ये लड़की कौन है? बताना बेटी, ये लड़की कौन है? मैं नहीं जानता। आप ये क्या कर रहे हैं, उसे मत मारिए। पिताजी, भावना बेटी, ये आवाज कैसी है? भावना बेटी। जी दादाजी। किसकी रोने की आवाज आ रही है? एक पड़ोस का लड़का कहीं चला गया,
उसी की माँ हमारे घर पे आके रो रही है। दादी, दादी छोड़ दीजिए, दादी छोड़ दो, उसे मत मारिए, दादी छोड़ दो मुझे, दादी उसे मत मारिए, पिताजी छोड़ो, आइंदा यहाँ कदम मत रखना, मेरे मरने पर मेरी चिता को तू आग लगाना। आज के बाद मैं समझूंगा कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, मेरा दूसरा बेटा मर गया। अब एक मिनट भी यहाँ मत रुक, मेरी नजरों से दूर चला जा। सुनिए जी, उसे वापस बुला लीजिए। पिताजी, उसे वापस बुला लीजिए। है क्या रहा है? जा। आज इसके दिल पर चोट लगी है, मर मंगल की मान मर्यादा लुट चुकी है, देवदत्त की हालत तो कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है। बेचारा मिलन, बहुत दिनों से मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देवा के साथ में जो तुम ऐसा कर रहे हो उसका कारण क्या है? मेरी दुश्मनी सिर्फ उससे ही नहीं है, उसके पूरे परिवार से है। जब तू इसका कारण जानेगा तो तू भी उनके मुंह पर थूकेगा। किसी जमाने में एक बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे मेरे पिताजी, मैं आज तक नहीं भूला। आज से ठीक 35 साल पहले कला मंडल में नृत्य सिखाने के लिए आए वो मेरे पिताजी थे, महान कलाकार। कला मंडल में जब वो रह रहे थे और उनके पास नृत्य सीखने के लिए मर मंगल से एक जवान लड़की वहां पहुंची, और ये बात कला मंडल से होते हुए मर मंगल तक पहुंची, और उसी समय में कला मंडल में जो रहा करते थे मेरे पिताजी वो उस लड़की के प्यार के चक्कर में आ गए। दोनों पति पत्नी की तरह प्रेम लीला में दो बदन एक जान हो गए। इसी दौरान एक सरकारी अस्पताल के आंगन में एक लावारिस की तरह हुआ मेरा जन्म। मैं रोता रहा, बिलखता रहा, 3 दिन तक मैं वहीं पड़ा रहा। मेरी माँ को उसी के घर में नहीं स्वीकारा गया। इस बीच मेरी माँ ने दम तोड़ दिया ऐसा मैंने सुना। 8 साल की उम्र में मैं नारायण महाराज के घर में काम करता था, पर मुझे अपना खून नहीं समझा महाकवि ने। उसके कुछ दिन बाद मर मंगल से मुझे निकाल दिया गया। उसके कुछ दिन बाद पार्वती ने मुझे स्वीकारा, और तभी से लेकर रोजाना मुझे किसने जन्म दिया यह जानने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता रहा। और जब पता चला, मेरी आंखों के सामने ही जब देव को गोद में लेकर उसका बाप प्यार करता था, उस वक्त मेरे दिल के अंदर आग लग जाती थी। वहां पर जब मैं अपना बचपन गुजार रहा था तब मेरे खाने के भी लाले पड़े हुए थे। उसी घर में सोने की एक देवी की मूर्ति थी, उसे मैंने चुरा लिया। जब मैं वहां से उसे ले जाने लगा तभी देवदत्त ने जोर से अपने पिताजी को पुकारा। पिताजी, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारिए। उसी पल से वो परिवार मेरा दुश्मन बन गया। 25 साल के बाद भी वो आग बुझ नहीं पाई। जिंदगी भर में जिसका इंतजार कर रहा था उसका मुझे दीन बंधु की तरह एक सुंदर मौका मिला। मुझे अपने बेटे के रूप में केशवन महाराज ने स्वीकार लिया, और उसी दिन से मैं अपने जाने दुश्मन से बड़ी खूबसूरती से प्यार करने लगा, नहीं नाटक करने लगा। अगर देवा ये बात जान जाएगा तो? जानने दो, उसे दिखाने के लिए ही तो ये सब मैंने अपने दिल में छुपा रखा है। ऐनी के पिताजी को ले जाकर जो फोटो मैंने दिए वो उन्होंने ले जाकर मर मंगल में उनके मुंह पर मार दिए, और मैंने वो रिश्ता तुड़वा दिया। आचार और अपनी संस्कृति में जीने वाले नारायण महाराज के परिवार से उसके बेटे को मैंने उसी के घर से निकलवा दिया। मर मंगल से धक्के मार कर निकाले जाने वाला यही मिलन अब वहां रहेगा, और उनका हमदर्द बनकर उस परिवार के एक एक इंसान को डसूंगा, तभी मेरे दिल को शांति मिलेगी सैम। देवा भैया बस करो, और कितना पियोगे? दुख भुलाने के लिए अगर मैं जिंदगी भर भी पीऊंगा तो भूल नहीं पाऊंगा। मेरी हालत तो धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है। मर मंगल से उन्होंने मुझे देवा, आप ज्यादा मत पियो, चलो चलते हैं। छोड़ना, लोग सुन रहे हैं। तो सुनने दे, सबको सुनने दे।
सॉरी। बहुत टेंशन में हो, सही कहा ना? कौन हो? मैं हूँ सेवियर जोसेफ, एंड्रो जोसेफ, जिमी जोसेफ। तीनों ब्रदर्स हो गया? हाँ ब्रदर्स हैं, हमारी एक सिस्टर भी है, शायद तुम जानते हो, एनी जोसेफ। मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया, मुझे आजकल। जानता हूँ तुम्हारी सारी करतूतें, जानता हूँ, तुम्हें घर से निकाल दिया ना। देख क्या रहे, इसकी हड्डियां तोड़ डालो। देखिए लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है, देवा चलो। अरे रुको, हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो अभी तक हुआ ही नहीं है। भैया पहले वो काम तो होने दो, उसके बाद तुम चले जाना। हटो हटो, छोड़ो उसे। देवा, अरे मुझे कोई मत पकड़ो। कहाँ है वो इस चर्च का फादर? हैं? कौन है वहाँ? आपके शरण में आया है, एक अनाथ है। ये तुम क्या बोल रहे? सही तो है फादर, देवदत्त ठाकुर। अब किसी को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक अनाथ बन गया हूँ। मुझे यहाँ रहने की जगह मिलेगी? ये तुम कैसी बात कर रहे हो देवा? हम भी कुछ नहीं जानते फादर, उस लड़की के बारे में इससे बहुत पूछा पर ये कुछ बताता ही नहीं। फादर आप पूछ के देखिए ना, शायद आपको सच बता दे। देवा वैसे तो तुमसे ये बात पूछने का मुझे जरा भी हक नहीं है, पर बताओ वो लड़की कौन है, तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? मैं उसे बताना नहीं चाहता हूँ फादर। इंसान पिछले जन्म में कोई पाप करता है तो इस जन्म में उसे उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है फादर। आज मेरी क्या हालत हो गई आप देख ही रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं है। भले ही तुम्हें कोई समझे या नहीं, लेकिन तुम सही राह पर चलो ऐसी प्रार्थना कर रही है, ऐनी अंदर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। ऐनी, मैं देखिए उनके कहने पर मैंने विश्वास नहीं किया, मगर वो लड़की कौन है मैं जानना चाहूंगी। वो मैं किसी से भी बताना नहीं चाहता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? मैं नहीं बता सकता, बस इतना ही। ठीक है मैं अब नहीं पूछूंगी, मगर अब मैं क्या करूँ ये भी तुम्हें मुझे बताना होगा। ऐनी देवा, मैं तुम दोनों को आपस में मिलाना चाहता हूँ, इसके बाप को भी बनाया मैंने ही, कम से कम मुझे तो सच बताओ। मत पूछिए फादर, इन्होंने क्रूस के ऊपर कितने दुख सहे हैं ये आपने कभी नहीं सुने होंगे ना, मेरे भी ठीक वैसे ही दुख हैं। सुन पाएंगे? देवा मत पूछना, बताने पर मेरी हालत भी इनकी तरह हो जाएगी, लेकिन मेरे बारे में ये सब जानते हैं, इनके सिवाय किसी और को बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं बहुत ही बुरी परिस्थिति में हूँ। बेटे, बेटे देवा, देवा। फादर, एनी, मैं। देवा। पिताजी आपने मुझे बुलाया? हाँ। क्या हुआ? एनी के घर से कुछ लोग आने वाले थे ना, आए कि नहीं? मैं उनसे मिलना चाहता था। दरअसल वो किसी काम से बाहर गांव गए हैं। हाँ। मैंने खबर भिजवाई थी। हाँ। उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आएंगे। हाँ। देवदत्त को एक बार वहाँ भेजकर मालूम तो करवा लेते, शायद उसके बुलाने पर आ जाए। भैया बुलाने के लिए गए हुए। हाँ। पर अभी तक आए नहीं। हाँ। चाहे कुछ भी हो, एक बार वो लोग आ जाते तो रिश्ता पक्का हो जाता, मेरे मन को शांति मिलती।
मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं आपके पैरों को छूना चाहता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मैं जानता हूँ मुझमें यहाँ आने की योग्यता नहीं है। जो नहीं सुनना चाहिए था वो मैंने सुना, और सुनकर मेरा मन नहीं माना, बस सीधा आपके पास चला आया, आपको देख के जी भर गया। ठीक है, अंदर आओ। उसे जब इस घर से बाहर निकला होगा तो वो बेचारा कितना रोया होगा, मगर उसने जो किया उसकी सजा वही है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? वही, मैं परछाई बन के उसके साथ रहता था और मैंने सब बर्दाश्त किया। ये बताओ आप सब लोग क्या एक बात जानते हैं, यहाँ की सारी कमाई वो खर्च किया करता था, वो भी अपनी अय्याशी के लिए। उसके चेहरे पर जो शराफत का नकाब था वो आप सबके सामने उतर गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार वो किसी लड़की के साथ था, तब पुलिस वाले लड़की के साथ उसे भी पकड़ के ले गए, जमानत पे उसे मैंने छुड़ाया। हे भगवान, मेरा बेटा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मिलन, तुम हमारे देवा के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने जो किया वही बता रहा हूँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की फिर भी वो नहीं माना, मगर अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत है। आज तक जो अनाथ बनकर गलियों में जिंदगी गुजार रहा था, यानी मुझे समझ लीजिए एक नया जन्म मिला है। मुझे अपना समझ कर एक बार गद्दू के पाँव छूने का मौका दीजिए। तेरे साथ भी हमने अच्छा बर्ताव नहीं किया, गलियों में तुझे हमने अनाथों की तरह छोड़ दिया, लेकिन आज अपनी गलती सुधारूंगा। भगवान जब कोई कार्य कराता है तो कार्य से पहले उसका कारण नहीं बताया करता है। मैं आज भी पश्चाताप करना चाहता हूँ, और उसके लिए यही बढ़िया मौका है। सुन बेटे। जी पिताजी। अब से देवदत्त की जगह पर मिलन काम करेगा। मैं खुश हुआ, आज जिंदगी में पहली बार खुश हुआ। कौन है? कौन हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? दद्दू है? जरा नजदीक आ, ठीक से नहीं दिख रहा है। दद्दू आप शायद मेरा चेहरा भूल गए। अब तो कौन है ये तो बता। मैं हूँ मिलन, सुमित्रा का बेटा। मेरे पास आ, मैं जरा तुझे ठीक से देख लू। जब तू 13 साल का था उस वक्त तेरे चेहरे की जो छवि थी वही मेरे दिल में बसी थी। लेकिन तू इस बूढ़े को माफ कर दे बेटे। ऐसा नहीं है दत्तू, एक बार बचपन में जब मैं लावारिस की हालत में था तब मुझसे कई गलतियां हुई, उन गलतियों की माफी मांगने के लिए ही आज आपके पास आया हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझसे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुझे इस घर से निकालने का असली कारण तो मैं ही हूं ना, मगर अब तू तो बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी अपने इस बूढ़े बीमार दद्दू को देखने के लिए तू आया तो सही, मेरा जन्म सफल हो गया। से तुम्हें मर मंगल से निकाला गया उसी दिन से रोजाना मैं और पार्वती तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब मैं जानता हूँ, इस परेशानी का कारण भी मैं जानता हूँ। एक ना एक दिन तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं,
ये भी तो तुम्हारा ही घर है। तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने, आखिर ऐसा क्या हो गया? देवा मेरे साथ चलो। देवा वो रत्नगिरी की लड़की कौन है, आखिर तुम्हारा उससे संबंध क्या है? ओ, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जानना है, जानकर ही रहूंगा। तुम तो मेरी जान से भी ज्यादा हो। जब मैंने सुना कि तुम्हें मरमंगल से निकाल दिया गया है, बस उसी पल से मैं तुम्हें जगह जगह ढूंढते फिर रहा हूँ। कोई जगह नहीं छोड़ी, पर तुम नहीं मिले। तुम्हें बाहर निकालकर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बारे में पूछा तक नहीं, और वो अपने आप को महाकवि बोलते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत वो तुमसे करते हैं। खैर तुम उनकी बात छोड़ो, तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन कम से कम मुझे तो बताओ वो लड़की कौन है। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं जानने की। ये इंजेक्शन कंटिन्यू करो, ड्रिप चेक करते रहना। वर्गीस मेरे साथ आओ। कविता भैया, जब माँ को होश आया था तो कई बार उन्होंने आपको पूछा। अभी इंजेक्शन का असर है, लेकिन फिर भी अगर आप बुलाएंगे तो वो आंखें खोलेंगी। माँ से देखा नहीं था। आप कुछ बोलिए नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कैसे है? ठीक है। तेरे पिताजी बहुत इज्जत वाले इंसान हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल पता न लग पाए कि कविता उन्हीं की अपनी बेटी है। आज तक मैंने इस बात को छुपाया है, लेकिन अब शायद मेरा बचना मुश्किल है। कविता के लिए तुम ही सब कुछ हो, तुम इसे। कविता के लिए मैं हूं ना। मुझे तसल्ली हो गई। कविता कौन है ये बात उन्हें कभी पता ना चले। तुम मुझे ऐसा वचन दो, ये बात किसी को भी मत बताना। वचन दो। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब दवाइयों से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया। मगर उन्होंने दवाइयां बदलने के लिए कुछ। यार आई बात समझ में? आगे सुन। कहता हूँ इसलिए बात बतेगी, बैठा ले अपने भेजे में।
आए दो ही पेग में ऐसी है मदीरा, कहता है उसलिए बाप पते की बेटा ले अपने बेजे में। सो दुगाए अब दो ही पेग में ऐसे है मदीरा, कहता हूँ इसलिए बाप पते की बेटा ले अपने बेजे में। चाहे कोई भी हो डरता नहीं मैं दुश्मनी की तो छोड़ता नहीं, कोई भी खा हो या हो यमराज रखता हो अपनी तो घर पे। चाहे कोई भी हो डरता नहीं मैं दुश्मनी की तो छोड़ता नहीं, कोई भी खा हो या हो यमराज रखता हो अपनी तो घर पे। सो दुगायब दो ही पैग में ऐसी है मदीरा, कहता हूँ इसलिए बात पते की बैठा ले अपने भेजे में। सूरज निकले चाहे पश्चिम से यारों सान की फर्क पहनता है, सूरज डूबेगा तो फिरेंगे हम सब इतना भी नहीं जानता बेवकूफ है। सूरज निकले चाहे पश्चिम से यारों सान की फर्क पहनता है, सूरज डूबेगा तो पियेंगे हम सब इतना भी नहीं जाता बेवकूफ है। सो दुगायब दो ही पैग में ऐसी है ये मदीरा, कहता हूँ इसलिए बात पते की बैठा ले अपने भेजे में। रुको, ये रहने का घर है, किसी तवायफ का कोठा नहीं है नाच गाना करने के लिए। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, तुझे समझाया भी बुझाया भी, पर तूने एक नहीं मानी, और अब आधी रात में तुम्हारा इस तरह नाचना गाना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, अभी भी समझ जा। अब अगर ऐसा किया तो तुम क्या करोगे? पूछ रहा हूँ ना, बताओ क्या करोगे? जमा हो जाए यहाँ से। अरे मुझे छोड़ दो, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़। मेरे पिताजी शिवराम के आत्मा की शांति के लिए तुम्हें मार कर तुम्हारी आत्मा को उनके पास भेजूंगा, और नहीं तो क्या, एक एक करके अपने दुश्मनों का खात्मा करने की कसम खाई है मैंने। और बड़ा दुश्मन है देवा, उसकी उस लड़की के साथ की तस्वीर एनी के भाइयों के हाथ में दी मैंने, और उन्हें मरमंगल में भेजा भी मैंने, और अब मरमंगल में बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। मिलन तूने? हाँ मैंने, और मैं तुम्हारा चेहरा अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब मैं वहां का सब कुछ हूँ, मर मंगल का सब कुछ हूँ। देवा क्या हुआ? शास्त्री जी को क्या हुआ उन्हें? कल रात मिलन और उसके दोस्त नाच गाना कर रहे थे, हाँ। जब शास्त्री जी ने उन्हें रोका तो मिलन ने उन्हें बहुत मारा। देवा आ गया क्या? शास्त्री जी आपको कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है बेटे, जिस सांप को मैंने दूध पिलाया आज उसी ने डस लिया। तूने उसे देखा क्या? नहीं, प्रार्थना करना कि मेरे सामने ना आए। जब छोटा था तो उसे कितना समझाया करता था मैं, लेकिन वही मेरे साथ ऐसा करेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर भी तुम उसे कुछ नहीं करोगे, मुझे वचन दो।
लिए बस जरा मेरे साथ आओ। देवा मैंने कुछ भी नहीं किया। तू अपने आप को मेरा दोस्त कहता है? देवा मैं तेरे बारे में मैं सब कुछ जान गया हूँ। जब मरमंगल से देवदत्त को निकाल दिया गया और उसकी जगह पर वहां जाकर मैंने सारा काम संभाला तो ये शायद तुम्हें पसंद नहीं आया। मिलन, दरअसल मैंने बताना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन इसके अलावा एक और बात है, उसके बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मगर देवा के अलावा अगर किसी तीसरे से तुमने ये बात बताई तो समझ लो, बचपन में तुम जिस हाथ को पकड़कर स्कूल ले जाया करती थी वही हाथ किसी का खून करने से भी बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं। यहाँ जो कुछ भी हुआ और जो तुमने आंखों से देखा तो याद रखना यही दिया, याद रखना अर्थी के पास नहीं रखना पड़ जाए, बस यही समझाने के लिए मैं यहाँ आया था। कविता, देवा मुझे माफ कर दो, जब कोई रास्ता नहीं सोचा तो मैं यहाँ चला आया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे चले आने के बाद कुछ लोग हमें जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। अभी तक तो हर मुसीबत से मैंने इसे संभाला, लेकिन अब संभालना मेरे बस का नहीं है। जब पता चला तुम यहाँ रह रहे हो तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी तुम अपने साथ ही रख लो, इसीलिए लाया। देवा भैया एक मिनट, कहीं कोई गड़बड़ ना करें। वो मिलन, कविता को इस बारे में बताना चले तो अब हम लोग क्या करें? वो मेरे साथ रहेगी यहीं पर। कविता अंदर चलो। अगर ये बात मरमंगल को पता चली तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे भगवान। माँ, पिताजी आ गए। लक्ष्मी ऐसे कब तक चलेगा, ठीक से खाना भी नहीं खाती हो। मेरी भूख तो मर चुकी है, जब उसके बारे में दूसरों ने कहा तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन अब वो उस लड़की को लेकर आ गया और लाकर यहीं पर रहने लग गया है। जब मैंने सुना तो मुझे भी यकीन हो गया। उस कमीने ने तो ये भी नहीं सोचा कि हम माँ बाप का क्या होगा, गांव में सर उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। चाची, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम बेकार में चिंता मत करो। तुम्हें बचपन में हमने बहुत दुख दिया है, लेकिन आज वो सब भूल कर भी मेरे बेटे की जगह पाकर हमारे दुख दर्द को तुमने अपना समझा। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ चाचा जी, मरमंगल की इज्जत मिट्टी में मिलाकर बार बार जब वो कमीने आंखों के सामने आता है तो मुझ पर क्या बीतती है मैं ही जानता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि उसके लिए जो प्यार था उसका 1% भी चाची के दिल में मेरे लिए नहीं है। हमारे दिल में तेरी क्या जगह है ये तो अभी नहीं समझ पाएगा बेटे, अब तो मरमंगल का एक सदस्य है, अपने मन को दुखी मत कर। चलो।
सोचा था तेरा चेहरा दोबारा नहीं देखूंगा, लेकिन तुझे इस लड़की के साथ देखकर खुश हुआ। पिताजी, मरमंगल के बारे में जरा तो सोचा होता। तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करने वाली एक माँ वहां पर रहती है, पर लगता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चल बेटे। नहीं और नहीं, अब मेरी वजह से और अपमान मत सहो। मेरी वजह से ही आप दोनों ने अपने घर से निकाल दिया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे रोने जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, पिताजी ने गुस्से में। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ, मुझ मनुष्य का नाम लेकर ही सब आपका अपमान कर रहे हैं। अब इस संसार में जबकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो ऐसे में जी कर भी क्या करूँगी। मेरी वजह से आप बदनामी मत लो। मैं तुम्हारी बहनों किसी से बोल नहीं पा रहे हो, सबसे छुपा कर रख रहे हो और मेरी वजह से अपमान सह रहे हो, ये भला कहाँ का न्याय है भैया। कविता, मैं एक मनहूस हूँ, मैंने आपका जीवन भी बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं बोलते कविता, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बने उसी के लिए सब कर रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, जिसमें आपका अपमान हो मुझे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए। अब मेरा मरना ही अच्छा है, मैं सच कह रही हूँ। ये तो भावना के होने वाले ससुर है ना, ये अचानक बिना बताए यहाँ क्यों आए हैं? नमस्कार। हाँ आइए आइए, आने से पहले जरा सा फोन कर दिया होता। खैर कोई बात नहीं, ये भी तो आपका ही घर है ना संदीप जी, आराम से बैठिए ना। लक्ष्मी जी, इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ। नहीं कुछ नहीं चाहिए, दरअसल मैं आया हूँ। ये है मिलन, मेरी स्वर्गवासी बहन का बेटा। हाँ वैसे मैं यहाँ आया हूँ। ऐसी क्या खास बात हो गई जो अचानक इतनी दूर से यहाँ आना पड़ गया, ऐसी क्या बात हो गई? वो मैं दरअसल। क्या बात है बताओ तो। समझ में नहीं आ रहा ये बात तुम्हें कैसे बताऊं, मगर बताना भी तो जरूरी है। मैं जो कहने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ करना, देवा के बारे में मैंने कुछ सुना है। वो तो वैसे मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, लड़के का रिश्ता तो हमने तय किया और शादी की बात भी पक्की करी, लेकिन कल उठ के बात बिगड़नी नहीं चाहिए ना। भावना के साथ जो हमने शादी तय करी है वो शादी अब नहीं हो सकती। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं, मेरी जगह पर अगर आप होते तो शायद इसी तरह का फैसला आप भी लेते। अच्छा मैं चलता हूँ। भावना, यहाँ जो हुआ ये बात अगर तुम्हारे दादाजी को पता चल गई और साथ ही जब वो सुनेंगे कि तुम्हारी शादी टूट गई है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो बेचारे मर जाएंगे। कुछ मत बताना, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। दद्दू। हाँ अरे रे रे रे, मिलन बेटे आओ आओ बैठो, आओ यहाँ बैठो। देवदत्त तो आजकल दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन तू अचानक यहाँ कैसे आ गया है? दद्दू वो मैं। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता क्यों? ये बात मैं कैसे, आखिर हुआ क्या है? यहाँ जरूर कोई ना कोई बात हुई है, ऐसा मेरा दिल मुझसे बार बार कह रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ मुझे बता। दत्तू लगता है आपको मालूम नहीं है, देवदत्त आजकल इस घर में नहीं रहता है। तो फिर? एनी के घर से कुछ लोग आए थे, वो बोलकर गए हैं कि ये शादी नहीं होगी। क्या ये शादी नहीं होगी? क्यों, तू इस तरह से क्यों बोल रहा है बेटे, इसका कारण क्या है? कारण बता ना।
देवदत्त का रत्नगिरी की एक लड़की से चक्कर है। और वो लड़की आजकल देवा के साथ ही रहती है। क्या तू सच कह रहा है बेटे? कहीं तू झूठ तो नहीं कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ। और ये जानकर भावना का ससुर आया था और उसने भी शादी से मना कर दिया है। घर में सब ने आपको बताने से मना किया था, लेकिन इन सब का कारण वही है जिसको मरमंगल के ऊपर सबसे ज्यादा घमंड था। आखिर उसने अपना शैतानी चेहरा दिखा ही दिया। बेटे, मेरा सर घूम रहा है, मुझे पकड़ना। पर उन्हें देखना चाहता हूँ। उन्हें देखने का मौका तुम्हें जरूर दूंगा, मगर देख के फौरन चले जाना। जहां रुकना नहीं, उनकी एक झलक देखकर तुम फौरन दफा हो जाओ। हालत में देखकर मुझे दुख तो हो रहा है, कितने बेबस लग रहे हो। वैसे तुम पर दया आ रही है, क्योंकि तुम्हारी जगह पर रहकर चीता को मैं आग देने वाला हूं। तुम कौन हो? हम देवदत्त के दोस्त हैं। शास्त्री जी तो है ना? हाँ हैं, लेकिन लेटी हुई हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं, परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, हमें उनसे ज्यादा बात नहीं करनी। ठीक है, आओ। कौन हो? मैं हूँ जेवियर, यह है जिम्मी, यह है एंड्रो। समझ गए होंगे, हम एनी के भाई हैं। लड़की के बारे में एनी ने बताया तो सोचा एक बार उससे मिल लेते। वो देखो, वो आ गई। ये तीनों एनी के भाई हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हे, इससे बात करने में आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? एनी की जिंदगी बचाने के लिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया पता है, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए शुक्रिया। ए, तुम कैसी बातें कर रहे हो? एनी की जिंदगी बर्बाद करके तू आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही है? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? वही जो सच है वही बोल रहे हैं।
इस लड़की को तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। एक बीमार आदमी के सामने तुम पागल क्या भागे जा रहे हो? निकलो यहाँ से। हम अभी तो चले जाएंगे, लेकिन जब वो आए तो बोल देना कि हमारे हाथों इसकी मौत लिखी है। चलो। जरा भी नहीं सोचा, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देता। तो फिर ऐनी की जिंदगी बर्बाद करके तू आराम से अपनी जिंदगी गुजार रही है? लेकिन जब वो आए तो बोल देना कि हमारे हाथों इसकी मौत लिखी है। फादर, वो जरूर कोई गड़बड़ करने के लिए आ रहा है। तुम चलो। तू कविता को मारना चाहता था ना? देवा, देवा, नहीं छोड़ूंगा मैं। देवा, देवा, छोड़िए मुझे, इन लोगों को मैं जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तूने खुद उसे जान से मारना चाहा और इल्जाम हम पे लगा रहा है। क्या कहा? देवा, नहीं। फादर, मैंने कहा ना मुझे छोड़ दीजिए। ताऊजी छोड़ दीजिए उसे, अगर इसने हमें हाथ भी लगाया तो यहीं काट डालेंगे। छोड़ो, छोड़ो इन्हें। ऐनी, हट जाओ। नहीं हटूंगी, इस दुनिया में मैंने बहुत से लोग देखे लेकिन तुम जैसा जिद्दी नहीं देखे। ऐनी, मैंने कहा बीच में से हट जाओ। इन लोगों ने मेरी कविता को जान से मारना चाहा। कविता, जिंदगी में प्यार किसी और से किया और अपनी वासना बुझाने के लिए किसी और लड़की का इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे भाइयों को जान से मारने से पहले तुम्हें इस ऐनी को मारना होगा। ऐनी, बस करो, मैं तुम्हारे प्यार का नाटक अच्छी तरह समझ गई। अच्छा होगा मुझसे मिलने कभी मत आना, क्योंकि मुझसे ये नाटक बर्दाश्त नहीं होगा। देवा, तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ। जाऊंगा, लेकिन कान खोलकर एक बात सुन लो, अगर किसी ने भी मेरी कविता की तरफ नजर उठा के भी देखा ना तो पैदा होने पे पछताओगे। एक एक को जिंदा जमीन में गाड़ डालूंगा। देवा कहाँ है? अंदर है। क्यों? देवा भैया, एक जरूरी बात है जो तुम्हें बताने के लिए आए हैं। कौन सी? वो कौन सी बात है बता। ऐनी। ऐनी? ऐनी ने नन बनने का फैसला कर लिया है।
तुमने जो सुना क्या वो सच है? बताओ, तुम नन बनने जा रही हो? हाँ। नहीं, तुमने जो ये फैसला लिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। नहीं, मुझे किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। देव, आपसे मुझसे मिलने के लिए कभी मत आना। एनी? हाँ, अब मैं तुम्हारी वो एनी नहीं हूं। जो कुछ भी हुआ मैं सब भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हारी शांति के लिए जीसस से प्रार्थना करूंगी। ठीक है, मगर नन बनने से पहले मैंने अपने दिल में जिस सच्चाई को दबा के रखा है उस सच्चाई को सुन लो। इस गिरजाघर में क्रूज के सामने खड़े होकर मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूं। जिस सच्चाई को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो सच्चाई आज मैं तुम्हें बताता हूं। कविता कौन है ये तुम्हें बताता हूं कि वो है कौन। वो मेरी सगी बहन है। हा? देवा, तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ फादर, जब पिताजी एक फार्म में काम किया करते थे तब वहां मार्ता नाम की एक लड़की से उनके नाजायज संबंध थे। उसी की लड़की है। कविता और मार्ता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, फिर भी मार्ता चाहती थी कि पिताजी की इज्जत पर कोई आंच ना आए, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कविता के बारे में कोई जाने। कविता तुम्हारी बहन है, ये किसी से मत कहना। मरने से पहले ऐसा उन्होंने मुझसे वचन लिया और वही वचन निभाने के लिए किसी से नहीं बताया। एनी चाहे तो अब कोई भी फैसला अपने आप ले सकती है। देवा, तुमने सच्चाई बताकर बहुत अच्छा काम किया, अब तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता। नहीं फादर, मेरे साथ साथ एनी ने भी बहुत कुछ सहा। एनी की जगह पर जो भी होता यही करता। अब आप दोनों से मेरी एक विनती है, कविता की यह सच्चाई किसी को पता ना चले। जब लोग ये बात हमसे पूछेंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाला तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। भैया। देवदत्त, कविता, एनी से मुझे सब कुछ पता चल गया। जो कुछ हुआ सब भूल जाओ, अब कुछ मत कहना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम ये बात सब तो छुपाना क्यों चाहते हो? मजबूरी है भैया, अगर ये बात बाहर पता चल गई तो हमारे पिताजी की इज्जत का क्या होगा? गांव वालों के सामने मां सर कैसे उठाएगी? और भावना की शादी सब खत्म हो जाएगा। पिताजी तो नहीं जानते ना? अभी तक नहीं। बताना भी नहीं? बताऊंगा, पिताजी ही नहीं सबको बताऊंगा कि ये मरमंगल की बेटी है। और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद मैं मिलन से निपटूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इसे लेकर मरमंगल जाना होगा। भैया, जो मैंने कहा पहले वो करो। हमारे यहाँ जितने भी आती हैं सब के सब तुम्हारा स्वागत करेंगे, मैं ढोल बजा के सबको बताऊंगा। हे मेरे भगवान, तू तो सबको देखता है, इन्हें भी देख। सुरेश भैया, क्या हुआ? रहने दे, मेरा नाम अपनी जुबान पे मत लाना। इतना ही नहीं, मरमंगल में अब तुम कहीं नजर भी मत आना। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाना बनता है, मेरे देवा को घर से बाहर निकलवा कर तू घर में घुस गया। किस पागल ने ये बोला है? पागल तो तू है, देवा के सामने ही मैंने कसम खाई है कि मैं अब मिलन को मरमंगल में कदम भी रखने नहीं दूंगा। मेरे देवा को घर से निकलवा कर और उसी घर में घुसकर तू वहाँ का ठाकुर बनना चाहता है? सपने में भी मत सोचना। सुरेश भैया, आप कुछ भी बोलिए, मगर ये मत कहिए कि मरमंगल पर मैं हक जमाना चाहता हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मेरे मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। बस कर, मेरे सामने ये लोमड़ी की चाल मत चलना, मैं सीधा मरमंगल ही जा रहा हूँ। तूने मरमंगल में आकर जो कोहराम मचाया है आज मैं उसका भांडा फोड़ूंगा। अरे हाथ हटाना।
अरे गणेश, तूने आज की खुशखबरी सुनी क्या? नहीं सुनी है तो सुन ले, देवा हमारे घर में वापस आ रहा है। उसका जोरदार स्वागत करना होगा, सबसे आगे तू रहना। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ए, क्या तू गणेश नहीं है? मिलन, तू मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है ना? ये तुम्हारा गणेश नहीं है, ये गजेंद्र राजा है। मैं इसे तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ लाया हूँ। इसे तुम्हारा देवदत्त डंडे से तो क्या किसी चीज से नहीं रोक पाएगा। क्यों भला, ऐसा क्या किया है? क्या किया, तुम तो खुद जानते हो ना। अगर किसी को मैंने मारने का सोच लिया तो कोई ताकत उसे नहीं बचा पाएगी। हाँ थटा, मुझे जाना है। नहीं, अगर तुमने मरमंगल में कदम रखा तो मेरा राज एक पल में खुल जाएगा, क्योंकि मेरी जगह पर अगर देवदत्त आ गया तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। रुको, मैंने इतनी मुश्किल से ये जगह पाई है और बहुत मुश्किल से इस हाथी को भी लाया हूँ, तमाशा करने के लिए नहीं, क्योंकि मैं जो हक पाना चाहता हूँ उसमें कोई रुकावट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो रास्ते में आएगा मिटा दूंगा। गजेंद्र के नुकीले दांत तेरा खेल खत्म करेंगे और मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें गणेश ने मारा है। रामू आजा, जल्दी कर। सुरेश भैया के मुंह से सब के सब परेशान है, ऐसे में अगर तुम जाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं भैया का चेहरा देखने आया हूँ और देख कर ही जाऊंगा। अभी देखने की जरूरत नहीं है। देवा देखने जरूर जाएगा। देवा को मत रोक। देवा मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान ले। अरे मैंने कहा ना अंदर मत जा। तो अपने भाई की एक आखिरी झलक देखना चाहता है, पर तुझे उसका कोई हक नहीं है। बस करो, बहुत हो गया, मेरा दिल भर गया। पिताजी, देख लिया ना, तेरे इस गंदे चाल चलन ने जो बेचारे और जीते उन्हें एक एक करके मार दिया। पिताजी, आप मुझे जितनी सजा देना चाहते हैं दीजिए, आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है। भैया का चेहरा मुझे देखने दीजिए, मैं उनकी बस एक झलक देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, वो हक तो मैं तेरे पास से ले चुका हूँ और मैं तेरे नाम का पिंडदान भी कर चुका हूँ। अब मैं तुझे किसी से मिलने की अनुमति नहीं दूंगा। तूने अपनी जिद पे अड़कर अभी तक तो दो लोगों की जान ले ली है और शायद अब जान लेना चाहता है अपने बाप की। मिलन आजा, चल अंदर चल।
जन्म को साकार करने के लिए मरमंगल में जाकर जब मैंने हाहाकार मचा दी, तब सबके सब मेरे सामने चींटी की तरह लगने लगे। उस वक्त वहाँ जो सीन था वो सैम तुझे भी देखना चाहिए था। और वो जो लड़की है उसको लेकर तो इन सब का इस गांव में चलना मुश्किल कर दूंगा। मिलन, तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ वही, सुरेश को जो मारा है उसके खून का इल्जाम मैं देवा के ऊपर लगाने वाला हूँ। क्या मतलब? अपने सगे भाई को मारा है देवा ने। मिलन ये क्यों, तुमने सोचा नहीं था ना? उसका सबूत है और वो है अपना ये रामू। देवा अपने भाई का खून करके जब हाथी पर बैठ के जा रहा था तब उसको इसने देखा, ऐसा नारायण से कहेगा। क्यों, बोलेगा कि नहीं? हाँ बोलूंगा। जरा इधर आओ मिलन, ये कोई मजाक नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे और ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, मुझे लगता है तू डर गया है। मैं डर नहीं रहा हूँ। तो फिर अचानक इस तरह की बातें क्यों करने लगा है? हमेशा मेरा साथ देता रहा है पर आज क्यों डर रहा है? अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे इंतकाम की आग बुझ के ही रहेगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम ये घिनौना काम करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो मिलन। इस काम में तुम्हारा साथ देने के लिए सोचूंगा। अब तेरे पास सोचने के लिए क्या रखा है? क्या हुआ, इस मिलन के साथ विश्वासघात करके तू धोखा देने की तो नहीं सोच रहा है ना सैम? मिलन मैं तो अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता था तू गिरगिट की तरह रंग बदलेगा। तू मुझे कभी भी डस सकता है ये भी मैं जानता हूँ। जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं मानता। वो अपने सगे भाई को उसी ने मारा है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैं आपके कुल देवता की कसम खा के कह रहा हूँ। मिलन तुम चाहे कुछ भी कहो मैं विश्वास करूंगा, मगर देवदत्त ने ही मेरे बेटे को मारा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। किया है, वो ऐसा घिनौना काम कर सकता है मैं भी नहीं मानता था और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था, मगर ऐसा करते हुए जिसने देखा था उसके बताने पर विश्वास हुआ। उसे किसने देखा बताओ, किसने देखा? उसे हाथी के दांतों से मारते हुए इसने, इस रामू ने उसे देखा। ये सच है क्या रामू? हाँ देवा भैया सुरेश जी को मार के जब जा रहे थे। चुप करो मिलन, उसने ऐसा काम क्यों किया होगा? कुछ भी नहीं, इस घर पर अपना अधिकार जमाने के लिए। शायद आप नहीं जानते, दादाजी के मरने के बाद सुरेश देवा से मिलने गया था और उसने ये भी नहीं देखा कि वो उसका बड़ा भाई है। एक कुत्ते की तरह उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन सुरेश जी की जो हालत मैंने देखी उससे मेरा दिल दहल गया और मैं समझाने के लिए देवा के पास गया। उसे समझाने की मैंने लाख कोशिश की, वो समझने को तैयार नहीं हुआ। अगर मैं चाहूं तो उसे इसी समय जाके मार सकता हूं, मगर आपके लिहाज से मैं ऐसा नहीं करता। वैसे आप भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस मरमंगल का नामो निशान मिटाना चाहता है। एक बार हाँ कह दीजिए, मरमंगल का अपमान करने वाले को जान से मार दूंगा। नहीं, मैं उसे ऐसा मौका कभी नहीं दूंगा। मिलन, बेटे का क्रियाक्रम करके यहाँ पर एक समारोह करूंगा और उसमें तुम्हें मरमंगल का ठाकुर बनाऊंगा। हेलो, पवन जी बोल रहे हैं ना? पवन जी मैं बोल रहा हूँ, सैम। मैं समझ गया, बता बात क्या है? पवन जी आपसे कुछ बताना है, उस मिलन के बारे में। उसने देवा के घर में फूट डाल दिया है। इस घर में एक पवित्र कार्य हो रहा है, उस कार्य में दखल डालने के लिए तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो इस कलंक के लिए को यहाँ लेकर आए? हम अपने आप में फैसला लेकर ही इसे यहाँ लेकर आए हैं। वैसे हम आपको दुख पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं। जिस सच्चाई को आप अभी तक नहीं जानते हैं वही बताने आए हैं। कौन सी सच्चाई? इसने हमारे घर की इज्जत सरेआम नीलाम कर दी। इसने और उसने मिलकर ही यह सब किया है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। ऐसा मत बोलिए। हाँ तुम भी तो मेरी बात समझ गए होंगे ना? अब चुपचाप यहाँ से ले जाओ इसे। नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। आपने अभी कहा ना कि यहाँ पर पवित्र कार्य हो रहा है। इसी पवित्र जगह पर खड़ी होकर मैं बोल रही हूँ। यहाँ जो कार्य हो रहा है उससे भी पवित्र है वो सच्चाई। बढ़िया ही, उसने जो किया उसी का दोष निवारण है ये पूजा। ये भले आपके लिए होगी, मगर उससे पहले सच्चाई भी जान लीजिए।
इन्हें लेके यहाँ से जाओ। नहीं, सच्चाई बताए बिना मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे जाने के लिए कहा ना। देवा, ये जो बताना चाहती है बताने दो इसे। सच्चाई क्या है सब कुछ जानने दो। कौन सी सच्चाई? इसके साथ अपना मुंह काला करके मेरे घर में रहने के लिए इसका सहारा लेकर आई है? ये सही मौका मिलने के बाद ही आई है। ऐनी, बताने दो कविता कौन है, इन्हें जानने दो। नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है। नहीं, मेरे नाम पर सब लोग कीचड़ उछाल रहे हैं और ये सब देखकर मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तुम्हारी झूठी कहानी सुनने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ। बताओ आखिर इसे क्या बात है जो बताना चाहती हो? बताती हूँ, ये आपकी ही बेटी है कविता। ये तुम क्या कह रही हो? जो बिल्कुल सच कह रही है, शादी से पहले जिस औरत से तुम्हारा संबंध था उसी की लड़की है। तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, लेकिन ये सच है। कविता को देवा के हाथों में सौंप कर वो बेचारी मर गई। बाप की इज्जत पर आंच ना आए सोचकर जो त्याग इस देवा ने किया है उसका इसे बहुत अच्छा सिला दिया है आपने। इन लोगों ने जो कुछ भी यहाँ बताया वो तो मैंने सुन लिया। अब ये सच है या नहीं मैं बस आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। हाँ सच है, तुम्हारे साथ शादी होने से पहले मेरा एक लड़की के साथ नाजायज संबंध था और उसी दौरान का दिल दुखाने के लिए मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है पिताजी। मां, सब कुछ भूलकर मरमंगल की बेटी के रूप में कविता को स्वीकार लो। देवा, तुझे इस तरह से बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे लड़कियों के साथ रात गुजारने की चाहत थी तो मुझे बोलता, मैं लड़के से प्रेम कर देता। साइबर, सैम के बताने के बाद ही मुझे यहाँ की सारी जानकारी मिली। मैंने उसी दिन तुमसे कहा था ना कि ये शैतान की औलाद है, इस घर को तोड़ने की जड़ यही है। ये सैम, बताओ ना सारी बात उसको। अबे बता ना। हाँ देवा, ये सही है, तुम्हें निकलवाने में मैंने भी इसका साथ दिया, लेकिन उसके बाद में बदल गया। कविता को जहर देकर इसने मारना चाहा, सुरेश भैया को हाथी के दांतों से जान से मारा गया और उसका इल्जाम देवा पर इसने लगाया। ये रामू उस बात का गवाह है। इसकी सुन ली, अब मेरी सुनो। मेरे माँ बाप को मार के मुझे अनाथ बनाया गया और मैं उसी का बदला लेने के लिए इस घर में आया हूँ, तुम सबका इस मरमंगल में गला घोट के मारने के लिए। साइबर,
अब इसे इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी होगा वो मैं देख लूंगा, लेकिन ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। मार डाल इसे। कमीनी के खून से अपने हाथ मत रंगो। तो क्या अब भगवान भी नहीं रोक पाएंगे? तूने जो गंदा चक्रव्यूह रचा था उसमें तू आज अपने आप फंस गया। मेरे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी। देवा, नहीं, देवा। Ah!